नमस्कार दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पीटी जी एकेडमी के पावर पैक कोर्स के पहले लेक्चर में आज हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारी जून से दिसंबर 22 की बैच को और यह हमारा पहला लेक्चर है सो वेलकम टू द कोर्स एक बहुत ही अद्भुत लर्निंग एक्सपीरियंस आपका इंतजार कर रहा है आइए काम शुरू करते हैं हमारा पावर पैक कोर्स जो आज से शुरू हो रहा है इसमें मैं आपको 150 लेक्चर्स पढ़ाऊंगा ये हमारा कोर मॉड्यूल होगा जिसमें हम आपको पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे अभी थोड़ी देर में हम एग्जाम के पैटर्न पर भी आएंगे हमारे इस पावर पैक कोर्स में जो कि आज 13 जून 2022 से प्रारंभ हो रहा है और दिसंबर 2022 में यह संपन्न हो जाएगा उसके बाद भी बहुत सारा सपोर्ट चलता रहेगा आपको 150 फ्रेश लाइव लेक्चर्स मिलेंगे हर सैटरडे को लाइव डाउट्स क्लियरिंग होगी उस सप्ताह की पूरा कोर्स हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है सारा मटेरियल वो आज आप देख ही लेंगे सारा कोर्स लेटेस्ट टू डेट है आपको मैं पूरी प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट सीरीज दूंगा हर सेशन के साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस है टन ऑफ मोटिवेशन है और सबसे मजेदार बात पावर ऑफ टेन की एडिटोरियल एनालिसिस की सीरीज भी इसी के साथ इनबिल्ट है आज का ये हमारा ओरिएंटेशन सेशन है और हमारी पहली क्लास है इसे हम YouTube चैनल पर भी फ्री में रिलीज करेंगे ताकि सबको कोर्स की अच्छी जानकारी मिल सके और एक पूरा लेक्चर वो हमारे साथ पढ़ भी सकें तो ये पूरा एक पैकेज है जो आपको अब उपलब्ध हो चुका है बहुत अच्छे से अगर आपने इसको पढ़ा आपकी तैयारी काफी अच्छे से होगी इस कोर्स में जैसा कि आप देख रहे हैं सिक्सटीन मॉड्यूल्स हैं इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया गवर्नेंस इन इंडिया यानी कि पॉलिटी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी गवर्नमेंट फाइनेंसेस वर्ल्ड एंड इंडियन जियोग्राफी इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इश्यूज मेजर इवेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडियाज फॉरन अफेयर्स यूरोपियंस इन इंडिया एथिक्स एंड वैल्यूज आर्ट आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड एंशियंट एंड मिडेवल इंडियन हिस्ट्री ये जो सोलह मॉड्यूल और इसके अंदर लेक्चर यह मैंने पूरी लिस्टिंग आपको आज ही दे दी कुल मिलाकर 150 लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे लेक्चर मैं खुद ही लूंगा एंड टू एंड पूरा कोर्स मैं पढ़ाऊंगा उसका एक बहुत बड़ा फायदा आपको यह होगा कि हम अक्रॉस द मॉड्यूल जो डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे वो अद्भुत होगा वो आप देखेंगे जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ेंगे आपको बहुत मजा आएगा और चीजें याद रखना भी आपके लिए बहुत सरल होगा तो ये हो गए हमारे डेढ़ सौ लेक्चर पहले दिन हमने आपको पूरी रूपरेखा इसकी अच्छे से बता दी तो आपका फिर से कोर्स में स्वागत है और अब हम थोड़ा सा एग्जाम का ओरिएंटेशन ले लेते हैं कोर्स में क्या होगा ये तो मैंने आपको बताया हर क्लास में और जानकारी आपको मिलती ही रहेगी अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और एग्जाम का ओरिएंटेशन ले लेते हैं जिस यूपीएससी सिविल सर्विसेज कोर्स की तैयारी करने के लिए एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे कोर्स में आए हैं इस कोर्स को करने के बाद और इसके साथ पावर ऑफ टेन को करने के बाद मॉक्टे सीरीज जो मिलेगी वो करने के बाद आप भारत की जितनी भी सिविल सर्विसेज की स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे अपना अपना स्टेट का थोड़ा हिस्ट्री पोर्शन अलग होता है वो करना पड़ेगा बट ब्रॉडली कवर होगा और यूपीएससी के लिए तो हो ही जाएंगे तो जैसा कि आप जानते ही हैं ये यूपीएससी का प्रेलिम स्टेज होता है मेन्स का स्टेज होता है और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है हम आपको प्रीलिम्स की बहुत अच्छे से पेपर वन जीएस की तैयारी करवा देंगे हमारा जो पावर पैक कोर्स है उसमें हम सी सैट की स्पेसिफिक तैयारी अलग से नहीं करवाते हैं लेकिन पेपर वन जीएस बहुत बढ़िया होगा सी सैट वैसे भी एक बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए हमारे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस उपलब्ध हैं मेन्स के लिए आपकी लैंग्वेज की तैयारी हमारे साथ बहुत बढ़िया होगी इंग्लिश की होगी ऐसे राइटिंग अपने आप तैयारी होगी साथ में जीएस वन जीएस टू जीएस थ्री जीएस फोर बढ़िया मैं करवा दूंगा ऑप्शनल की तैयारी पैक के अंदर नहीं होती है यह आपको अलग से करनी होगी यह रहे आपके सामने प्रेलिम्स पेपर के सिलेबस पेपर वन और पेपर टू जहां तक पेपर वन का सवाल है मैं पिछले आठ से नौ सालों के सारे एक्चुअल क्वेश्चंस इस कोर्स में कवर करवा दूंगा हमारे पावर पैक कोर्स की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि जो वास्तविक क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम हर लेक्चर के साथ मैप करके लेक्चर के साथ ही सॉल्व करवा देते हैं तो स्टूडेंट की तैयारी पैरेलल में हो जाती है उसी के साथ साथ मैं आपको मेंस में किसी भी लेक्चर से जुड़ा क्या सवाल आया वो भी देने की पूरी कोशिश करता हूं तो आप जब वन टाइम्स हमारे इस पूरे अलग अलग लेक्चर को करेंगे तो आपको प्रेलिम भी आप सोल्व करते जा रहे हैं मेन्स के क्वेश्चन भी पता चलते जा रहे तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है Prelims भी देखते जाएंगे मेंस भी देखते जाएंगे लिखने की प्रैक्टिस भी होती जाएगी सब चीजें जुड़ी हुई तरीके से होलिस्टिक तरीके से हम करेंगे अगर आप प्रेलिम्स पेपर वन का पिछले छह साल का पैटर्न देखना चाहते हैं ये आपके सामने है यूट्यूब पर इसका पूरा एनालिसिस अवेलेबल है मेरा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैंने पूरा एनालिसिस दिया है और ये सब हमारे कोर्स में कवर होगा और ये केवल पिछले दो सालों का कंपैरिजन है थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दिया ताकि आसानी से दिख जाए तो ये सब जो है ना जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपको इसके अलग अलग हिस्से अपने आप कवर होते दिखाई देंगे और ये पेपर टू का एनालिसिस है साल का ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है प्यारे दोस्तों ये जो पूरा का पूरा यूपीएससी प्रेलिम्स है इसका 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सारा पेपर वन पेपर टू इंग्लिश एज वेल एज हिंदी यदि आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बाय विद वीडियो चाहिए तो इस एक लिंक पर हमारी वेबसाइट का है आपको सब कुछ मिल जाएगा इस पर आप क्लिक करेंगे पूरा पेज ओपन हो जाएगा इतना माइक्रो और ये पूरा 2014 से 22 तक का अवेलेबल है इतना माइक्रो एनालिसिस आपको और कहीं नहीं मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो ये आपका एक परमानेंट रिसोर्स है और ये रहे आपके मेन्स के पेपर के सिलेबस तो ये हम हमारे कोर्स में कवर करेंगे हर क्लास के साथ साथ मैं आपको बताते चलूंगा कि भाई सिलेबस के कौन कौन से हिस्से कवर हो रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा तो इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें और आपको बताएं कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से बारह लेक्चर हम कवर करेंगे डेढ़ में से पहले बारह आइए आपको हमारे खूबसूरत से पावर पैक कोर्स की कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए जाएं क्योंकि अब हमारी यात्रा काफी लंबी साथ में चलने वाली है तो कुछ कायदे कानून समझ ले भैया ये कोर्स हमारा सात सात महीने की साइकिल्स में चलता है तेरह जून दो से दूसरी साइकिल शुरू हो रही है दिसंबर तक यह कंप्लीट हो जाएगी आप इस कोर्स को शुरू से ज्वाइन करें तो तो बहुत ही अच्छा है लेकिन आप अगर बीच में से भी कहीं ज्वाइन करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके बाद आप अगली साइकिल में बचाव पोर्शन भी कवर कर सकते हैं और जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो पिछली सारे सेशंस आपको आर्काइव में प्रॉपरली उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है आप अपनी एक पावर पैक की नोटबुक अलग से मेंटेन करेंगे हर मॉड्यूल की एक नोटबुक बना लीजिए पूरे कोर्स के नोट्स बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगी हालांकि जो कुछ भी स्टडी मटेरियल आप हमारे साथ एक क्लास में लाइव अटेंड करते समय देखेंगे जो कि आज आप अभी कर ही रहे हैं और यह सेशन हम यूट्यूब पे भी फ्री डालेंगे यह आपको पीडीएफ फॉर्मेट में क्लास के ठीक बाद अंदर ही वहां पर लिंक पर मिल भी जाएगा और एक दिन के बाद अगले दिन दोपहर बारह बजे आर्काइव में सेशन वन टू थ्री फोर फाइव टू वन फिफ्टी में वीडियो भी मिलेगा डाउनलोड लिंक भी मिलेगी और उस मॉड्यूल की क्विज भी मिलेगी तो यह आपको बराबर मिलता रहेगा लेकिन अपने हैंड रिटन नोट सभी महत्वपूर्ण चीजों के अगर आप अलग से बनाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा तो वो तो आपको करना ही है ये कोर्स सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए है जितने भी बच्चे सिंसियर सेल्फ स्टडी में यकीन रखते हैं मेरे पावर पैक कोर्स से आपके जीवन में एक बहुत फंडामेंटल परिवर्तन आएगा यह मेरी गारंटी है आप में सोचने की शक्ति विकसित होगी आप चीजों को कनेक्ट करके बिग पिक्चर बना पाएंगे आप फाइनर एस्पेक्ट भी देख पाएंगे और बिगर पिक्चर भी देख पाएंगे यह स्किल मैं आप में डेवलप कर दूंगा लेकिन उसके लिए नेचुरली आपको अपनी तरफ से पूरी तरह एक खुला दिमाग लेके क्लासेस अटेंड करनी होंगी हर सोलह मॉड्यूल है हर मॉड्यूल के लिए एक पूरी क्विज आपको पोर्टल के अंदर मिलेगी पीटी के और पावर ऑफ टेन की अद्भुत सीरीज आपके लिए उपलब्ध करा दी गई है अब मैं आपको बता दूं ये पावर ऑफ टेन की सीरीज क्या है इससे बढ़िया सीरीज भारत में चल नहीं रही है आप अटेंड करेंगे आप एक सेशन अटेंड करके समझ जाएंगे जब आप जीएस की तैयारी करने निकलते हैं सिविल सर्विसेज की बड़े बड़े टॉपिक सामने दिखाई देते हैं अब सिलेबस में तो मैं डेढ़ सौ तो लेक्चर पढ़ा दूंगा स्टडी मटेरियल शानदार अप टू डेट करके आपको दे दूंगा हिंदी इंग्लिश में पैरल दूंगा वो भी थोड़ी देर में आप देख भी लोगे लेकिन जो हर हफ्ते नए नए करंट अफेयर निकल आते हैं उन पर जब मेन्स में सवाल आएंगे तो कैसे हल करेंगे उसके लिए पावर ऑफ टेन की सीरीज है हर रविवार को दो घंटे का एक नया सेशन में रिलीज करता हूं जिसमें मैं दस टॉपिक कवर करता हूं दस बड़े टॉपिक भारत के अखबारों से भी और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं जैसे कि द इकोनॉमिस्ट से भी अभी तक इसके 104 सेशन रिलीज हो चुके हैं आज सुबह तक और हर सेशन में 10-10 एडिटोरियल है मतलब 1000 प्लस एनालिसिस आपके पास रेडी है अब आपने कोर्स ज्वाइन किया अगले रविवार एक सेशन आने वाला है आप वहां से पूरा हमारे साथ पढ़ेंगे और जब आप वो सेशन पढ़ेंगे तो पिछले सात दिन के जो दस सबसे बड़े जीएस के टॉपिक होंगे शुरू की है तो आप एक सौ से अगले संडे से शुरू करोगे तो आपको क्या करना है उसके पीछे 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 के सारे कवर कर लेना हर हफ्ते दो तीन और सेशन एक सौ चार एक सौ करते करते वन तक जाना है अगले छह महीने में रातों रात नहीं होगा धीरे धीरे होगा और हर हफ्ते नया सेशन आएगी तो मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये 150 फिफ्टी लेक्चर्स ढंग से कर लिया और पावर ऑफ टेन ढंग से कर लिया आपका काम हो जाएगा आप बस करते जाओ और आप बोलोगे कि हाँ यार सर मजा आ गया यार मस्ती आ गई आनंद परमानंद की स्थिति अरे भैया उसी लिए बैठे हैं यहां लाइव क्लासेस जो आप मेरे साथ रोज सुबह सात से नौ अटेंड करोगे अगले दिन बारह बजे पोर्टल में रेडी होके मिल जाएगा रिविजन के लिए लाइव क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है आपके सेल्फ डिसिप्लिन के लिए जो भी सिविल सर्विसेज के लिए डिसिप्लिन है बराबर बर पौने सात बजे पोर्टल के सामने बैठ जाना है लॉग इन कर लेना है ठीक सात बजे रिफ्रेश करना है लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाएगी दो घंटे पढ़ाई करनी है ये आपका आप ही के लिए है और अगर लाइव क्लासेस मिस की और सोचा चलो आरकाइव से ये पढ़ते चलूंगा वेल देन यू आर मेकिंग अ कॉम्प्रोमाइज एंड आई होप यू नो व्हाट यू आर डूइंग बट अदरवाइज कोर्स ज्वाइन किया है तो अपने गुरु के कहने पे आपको यह डिसिप्लिन दिखाना होगा हफ्ते में एक आदा दिन में सो सोचा मैं समझ सकता हूं मंडे ट्यूसडे वेन्डे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे छह दिन सुबह सात से नौ में आपको पढ़ाने वाला हूं और ऐसे पूरे डेढ़ सौ लेक्चर्स में करा दूंगा कभी कभी छुट्टी होगी वो आपको एडवांस में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में सारी जानकारी आ जाती है जितने रजिस्टर्ड बच्चे हैं आपको टेलीग्राम की लिंक हमने दे दी है हर शनिवार शाम को छह बजे से डाउट्स क्लियरिंग सेशन होगा वो लाइव होगा जिसमें चैट फैसिलिटी रहेगी शनिवार वाले में पूरे छे लेक्चर जो उस वीक में हुए हैं या पांच लेक्चर हुए हैं कभी कभी आप उसके ऊपर जो पूछना है शनिवार शाम की क्लास में पूछ सकते हैं और वो सारे जवाब आपको मिलेंगे तो वो दो से ढाई घंटे का सॉलिड इंटरेक्शन होता है ऐसा आप हमारे साथ कम से कम 24-25 बार इंटरेक्शन शनिवार को करेंगे काफी है तो डेढ़ सौ लेक्चर के अलावा वो 24-25 सेशन है और उसके अलावा पावर ऑफ टेन है ये पूरा पैकेज है और अद्भुत पैकेज है क्योंकि आप जानते ही हैं सामान्यतः आप इस तरह की सर्विसेज के लिए एक लाख दो लाख तीन लाख चार लाख रुपए खर्च कर देंगे अपने माता पिता से लेके हमारा कोर्स भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है भारत का एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो इस कोर्स को ज्वाइन करने में दिक्कत महसूस करेगा मैंने उस हिसाब से ही डिजाइन किया है इसलिए आगे बढ़िए और कॉन्फिडेंस से पढ़ाई कीजिए क्वालिटी में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी आपकी तरफ से मेहनत और सिंसियरिटी में कमी नहीं होनी चाहिए सेशन पीडीएफ हिंदी इंग्लिश के एक साथ ही आपको मिल जाते हैं लाइव क्लासेस में नीचे डिस्कस के कमेंट थ्रेड ऑन रहते हैं अपने रियल नाम से ही आप वहां कमेंट करेंगे किसी भी तरह की दिक्कत कभी भी आए हमारी टीम आपके लिए मदद के लिए तैयार है ये दोनों फोन नंबर नोट करके आप उनसे बात कर सकते हैं अगर कोर्स अच्छा लगते चले नए नए लोगों को कोर्स के साथ जुड़ें एक अच्छी लर्निंग कम्युनिटी बनेगी आप ही का फायदा है और टेलीग्राम ग्रुप पे लगातार जानकारियां आती रहती हैं पढ़ते चलें सारे कायदे कानून क्लियर हो गए तो क्लाम शुरू किया जाए तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी पढ़ाई मॉड्यूल वन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अब हम भारत के संविधान की बात करेंगे बहुत प्यारा मॉड्यूल है आपको बहुत आनंद आएगा और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेरा भी बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत पुराना नाता रहा है मैं आपको इन बारह लेक्चर्स में भारत के संविधान की सारी बारीकियां बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा ये रहे हमारे मॉड्यूल के 12 लेक्चर आज हम कौन से लेक्चर पर हैं बेटा लेक्चर वन ऑफ वन फिफ्टीन लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पार्ट वन तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसका भाग ए एक बार कुछ सेकंड का समय देता हूं इस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ाऊंगा अच्छे से देख लो लेक्चर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन कॉन्स्टिट्यूशन मॉड्यूल है इसकी एक बड़ी प्यारी विशेषता है और वो ये कि ये जो बारह लेक्चर आप मेरे साथ पढ़ोगे ये तो है ही लेकिन पावर ऑफ टेन के हर सेशन में संविधान से जुड़ा एक या दो एनालिसिस आपको मिल ही जाएगा जो लेटेस्ट हॉट टॉपिक्स हैं जैसे अभी जो हमने कंडक्ट किया लेक्चर 104 उसमें जीएसटी पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी मई 2022 हजार बाईस में बहुत बड़ा वर्डिक दिया है कि जीएसटी काउंसिल के आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स द सेंटर नॉट दैट्स अ वेरी मेजर ब्लो दैट द सुप्रीम कोर्ट है स्ट्रक इन फेवर ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो उसका मतलब क्या है उस पर पूरा एनालिसिस दिया है मेन्स में जीएस में ऐसा कैसा सवाल आ सकता है तो वो मैं आपको लगातार सपोर्ट देता जाऊंगा लेकिन जो बेस है ना जो आपकी पूरी फाउंडेशन बनेगी यूपीएससी की वो ये डेढ़ सौ लेक्चर में बनेगी हमेशा ध्यान रखना आप ऊपर बिल्डिंग तो खड़ी कर सकते हो लेकिन फाउंडेशन एकदम रॉक सॉलिड होनी चाहिए ये कोर्स उस फाउंडेशन का काम करता है जिसके बाद आप अनेकों परीक्षाओं में बैठ सकते हो पूरे आत्मविश्वास से वो आप खुद मुझे बोलोगे एक सेशन पूरा होने के बाद ठीक है दोस्तों तो आज का जो हमारा सिलेबस है वो ये है हम सबसे पहले बात करेंगे स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्विक समरी हाउ इट स्टार्टेड कुछ ऐतिहासिक घटनाएं क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट क्योंकि आपको पता है आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए बहुत जरूरी होता है किसी भी विषय में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट चार्टर एक्ट उसके बाद से हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का और राजा रानी खुद ही आ गए राज करने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एट एंड द थ्री प्रेसिडेंसीज और उसके साथ हम आपको प्रेलिम्स के कुछ एक्चुअल क्वेश्चन भी सोल्व करवाएंगे आज और पहला दिन है थोड़ा वार्म अप हो जाए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं सभी छात्रों को अच्छे से समझा दू मैं एकदम सरल हिंदी में पढ़ाऊंगा मटीरियल हिंदी इंग्लिश में एक साथ मिलेगा आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई विषय हमेशा नया होने वाला है तो कई लोगों के लिए हो सकता है संविधान एकदम ही नया विषय हो हालांकि हम सब ने सिविक्स में सातवीं आठवीं नवी कक्षाओं में इन चीजों को पढ़ा हुआ है भूल जाते हैं लाइन बदल जाती है किसी ने मैथ्स लिया कहीं और निकल गया इंजीनियरिंग कर ली है वो लिंक छूट गई बहुत स्वाभाविक बात है एक महापुरुष ने कहा था आपने घबराना नहीं है उसी महापुरुष की बात को मैं आप तक फिर लाता हूं आपने घबराना नहीं है डरो मत आप बस करते जाओ जितना आप यहां पढ़ रहे हैं उसको एक बार पूरा पढ़ें अपने नोट्स बनाएं स्टडी मटेरियल डाउनलोड करें बाद में एक बार इसको रिवाइज करें करत करत अभ्यास के डैश टैश डैश टैश टैश सब हो जाता है अगर घबराओगे तो यार कोई ना कोई टॉपिक में तुम्हारी गाड़ी उलझ जाएगी इसलिए बिल्कुल भी डरो मत करते चलो धीरे 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 हो जाएगा पहले ही दिन एकदम से माउंट एवरेस्ट हम नहीं चढ़ सकते हैं इसलिए मैं शुरू में ही आपको बता दूं बी वेरी पॉजिटिव अगर आपको कोई टॉपिक टफ लग रहा है तो मैं आपको गारंटी देता हूं किसी और को कोई दूसरा टॉपिक टफ लगने वाला है हम सबकी कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती ही हैं जैसे हमारी स्ट्रेंथ होती हैं समझदार स्टूडेंट वो होता है जो हर टॉपिक को भले ही वो उसको कम यानी उसको वो कठिन लगे या सरल लगे वो क्वल एंथ्यूजिया के साथ पढ़ता है या पढ़ती है तो अच्छे से करें और मुझे जरा बताते चले कमेंट थ्रेड में भी जो हमारे लाइव स्टूडेंट अभी अटेंड कर रहे हैं पोर्टल में अभी तक का सब कुछ समझ में आ गया कि नीचे डिस्कस का कमेंट थ्रेड है आप उसमें कमेंट कर सकते हैं तो एक बात ध्यान रखना लाइव में डिस्कस का थ्रेड है उसमें बढ़िया आप कॉमेंटिंग करो और बाद में ये सेशन अगले दिन बारह बजे पोर्टल में आ जाएगा उसमें भी कॉमेंट थ्रेड होगा आप उसमें भी सवालों के जवाब देते चलना ऐसा नहीं है कि वहां आपको जवाब नहीं देने वो बी थ्रेड पूरी तरह से पॉपुलेट करो तो अब शुरू कर दूं सारी चीजें समझाने के बाद पहला दिन है ना इसलिए इतना समय इन सब चीजों पे देना पड़ा तो अब हम पढ़ाई शुरू कर सकते हैं वॉट इज द स्पिरिट बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो भारतीय संविधान की मूल भावना इससे पहले कि मैं आपको भारतीय संविधान की मूल भावना बताऊं मैं आपको भारत के इतिहास में ले जाना चाहूंगा संविधान हमारे हाथों में आया 26 नवंबर उन्नीस सौ टाइम वी फाइनल रेडी ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हमने उसके दो महीने के बाद ही उसको देश में स्वीकार कर दिया लागू कर दिया छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उसके पीछे के जो पांच छह हजार साल हैं उसमें भारत में स्ट्रक्चर्ड तरीके से फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा भारत में अनेकों बने अनेकों एम्पायर बिगड़े कभी कभी दो तीन बड़े एम्पायर एक साथ आए कभी सिर्फ एक रहा और कुछ छोटे कभी कभी छोटे ही छोटे छोटे ही छोटे छोटे ही छोटे भारत की सभ्यता की शुरुआत अगर हम माने यानी कि पूरा का पूरा साउथ एशियन सब कॉन्टिनें जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका प्रैक्टिकली सभी मान लेता हूं और इंडिया का मेनलैंड तो था ही तो यदि मैं मानूं कि सिंधु घाटी सभ्यता तो शुरू होती है जहां ईरान तुरान के लोगों ने आके उसको बसाया और वो हजार से ज्यादा शहरी इकाइयों की एक सभ्यता तैयार हुई जिसकी लिपि आज तक हम क्रैक ही नहीं कर पाए कि उसका मतलब क्या है तो वो रहस्यमय है लेकिन अर्बन सिविलाइजेशन थी और अपने पीक पे गई और उसके बाद 2000 ईसा पूर्व से उसका पतन बहुत तेजी से होना शुरू हुआ आठ सदियों तक बारिश धोखा दे गई बहुत सारे फैक्टर्स थे और उसके बाद ऋग्वेद का लिखा जाना और वहां से पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता का उदय उसके बाद पश्चातकालीन वैदिक सभ्यता उसके बाद महाजनपद उसके बाद मौर्य डायनेस्टी ये जो पूरा फेस चल रहा है हमारा तो हम नियोलिथिक हम मतलब पूरा का पूरा स्टोन एज भी पढ़ेंगे आगे एंशियंट हमारा आखिरी मॉड्यूल है तो हम पूरा स्टोन एज देखेंगे जिसमें पेलियोलिथिक मीजोलिथिक नियोलिथिक देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कुछ मेगालिथिक अचानक से आ गए थे और कुछ लोग चालकोलिथिक में चले गए थे और पैरेलल में इंडस वैली अलग ही चल रही थी वो पूरा मैं आपको बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ाऊंगा एंशेंट हिस्ट्री तो जो है मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है उसमें मैं आपको मस्ती दिला दूंगा इस, ऐसा पढ़ाऊंगा कि सभी याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए और फिर हम मौर्यास तक आते हैं फिर उनका पतन होता है जब शुंग साहब बृहद्रत का गला काट देते हैं और अपनी शुंग डायनेस्टी बना लेते हैं फिर उनका गला कटता है कानवा डायनेस्टी बन जाती है तब तक इंडो ग्रीक्स का आक्रमण हो जाता है इंडो सीथियंस आना शुरू हो जाते हैं चीन से कुशाण लोग आके 300 साल का राज कर देते हैं डायनेस्टी उसके बाद में आपके शक आ जाते हैं और जैसा कि आप जानते ही हैं आ जाते हैं जिसमें आपके किदारा हून भी हैं एलकॉन हूं भी हैं और पूरा उनका इंटीग्रेशन एसिमिलेशन होता जा रहा है गुप्ता डायनेस्टी बनी हुई है जिसको सौ साल में हूणों ने पूरी तरह नष्ट कर दिया है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अरबों का हमला सिंध क्षेत्र में होता है फिर उनका पतन हो जाता है लोकल मुस्लिम डायनेस्टी बन जाती है उसके बाद ममलूक डायनेस्टी बन जाती है जो कि स्लेव डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत जो 300 सौ साल चलती है पैरल में दूसरी बहुत सारी हिंदू सल्तनतें भी चल रही हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे पैरल में क्या क्या धाराएं हैं ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं संविधान तक आ रहा हूं है ना आप थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो तो थोड़ा मजा भी आएगा समझने में फिर दिल्ली सल्तनत का पतन होता है शेरशाह शाह की डायनेस्टी बन जाती है उसका पतन होता है और मुगल डायनेस्टी बनती मुगल डायनेस्टी पहले थी बाबर थे हुमायूं थे उसके बाद शेरशाह सूरी बीच में घुस गए वो खत्म हुआ तो उसके बाद फिर अकबर और ऐसा करके तीन सौ साढ़े तीन सौ साल मुगल डायनेस्टी चलती उसका पतन होता है तब तक यूरोपीय आ जाते हैं और अंग्रेज आ जाते हैं और फाइनली उसका पटाक्षेप होता है संविधान के निर्माण में द रीजन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मार्क्स एंड एब्सुलटली सेमिनल चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी लंबी जो कहानी मैंने बताई For the first time, the individual was made the center of the document. आज तक कभी भी इंडिविजुअल पर आधारित समाज कभी नहीं चला भारत में किसी भी डायनेस्टी में हमेशा राजा था समूह था गुट था धार्मिक गुरु थे अब संविधान बोलता है कि भारत का हर नागरिक चैप्टर थ्री पार्ट थ्री में मौलिक अधिकारों का अधिकारी है यू हैव फंडामेंटल राइटली इनवायलेबल यह भारत में पहली बार हुआ इसलिए यह एक पूरा स्टेप चेंज आ गया भारत की सभ्यता में और अब इंसान महत्वपूर्ण हो गया समूह महत्वपूर्ण नहीं है इसीलिए बहुत सारे लोगों को संविधान से हमेशा शिकायत रही है कि भाई ये कभी भी इतिहास से मैच ही नहीं करता कैसे करेगा पहले इंसान को कोई महत्व था ही नहीं ग्रुप्स को ही महत्व था और वो हमारी व्यवस्था में परिलक्षित भी होता है फिर वो गुप्ता साम्राज्य की विष्टि परंपरा हो या ममलूक और आगे खलजी डायनेस्टी के बने वे स्टलेव मार्केट्स हो या कुछ भी हो ऐसे पचास उदाहरण में एंशियंट इंडिया में आपको दूंगा समझ में आ गया एक ऐतिहासिक स्वीप जो मैंने आपको बताया तो इसको थोड़ा सा बाद में समराइज करके डिस्कस कॉमेंट थ्रेड में जरूर लिखिएगा अब आपने पांच मिनट समझा कि भारत के इतिहास में क्या क्या हुआ है ना मैं आपको बताना चाह रहा था कि कितना रंग बिरंगा और शानदार इतिहास है कितनी प्यारी प्यारी चीजें और खतरनाक चीजें हमारे इतिहास में हुई हैं एनी नेशन इज मेड अप ऑफ द स्टेट एंड इट्स पीपल तो भाई कोई भी राष्ट्र को वहां का राज्य और उसमें रहने वाले लोग बनाते हैं अब यह स्टेट किस चिड़िया का नाम है ये वो ऑफिशियल मशीनरी होती है जो प्रशासन के लिए बनाई जाती है और पीपल कौन होते हैं ये वहां रहने वाली प्रजा होती है तो स्टेट इज ऑफिशियल मशीनरी फॉर गवर्नेंस एक एक लाइन को एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना इसी पर प्रेलम्स में एमसीक्यू बनेंगे और आपको यह बारी किया वहां पे एकदम दिखाई देंगे और संदीप सर ने बताओ तो यार बिल्कुल ऐसा सवाल आ गया आप जो हमारा मटेरियल है ना जब आप बिल्कुल ध्यान से आपने अगर प्रेलिम 2022 का मेरा एनालिसिस वीडियो यूट्यूब पे देखा है तो मैंने मटेरियल के स्नैपशॉट डाल डाल के बताया ये क्वेश्चन यहां से निकला ये क्वेश्चन का रेफरेंस यहां था इसलिए बहुत ध्यान से करना और हर चीज इंपॉर्टेंट है कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग किस चीज पर आ जाए और वहां से उठा ले इसलिए हर चीज इंपॉर्टेंट होती है और हर साल हम हमारे प्रेजेंटेशन को स्टडी मटीरियल को लगातार अपडेट करते हैं हर साइकिल में तो ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड है तो भाई राज्य जो है अभी हम आगे आपको इनके बीच के अंतर बहुत बारीकी से बताएंगे राज्य जो होता है वो शासन का आधिकारिक तंत्र होता है और किस लिए होता है उसमें रहने वाले जीवित जीवंत लोगों के लिए अब जो भारत का इतिहास रहा है उसमें शासक तय करते थे कि प्रशासन कैसा होगा संविधान ने यह अधिकार लोगों को दे दिया कि आप बताइए प्रशासन कैसा होगा तो आज जो भारत का संविधान है वो लोगों से ताकत डिराइव करता है और आपने और मैंने संविधान बनाया है और संविधान ने स्टेट की इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं स्टेट ने संविधान नहीं बनाया है वी हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट नॉट द अदर राउंड सो द पीपल आर द सोर्स ऑफ सोवरिटी ऑफ इंडिया प्लीज रिमेंबर दैट इन दाइनल एक्ट ये समझ में आ गया क्षमा चाहता हूं उस के लिए। भारत का जो संविधान है दोस्तों वो ऑफ़ द द स्टेट पीपल की पूरी सूची देता है हमारा संविधान इसलिए बहुत ताकतवर है क्योंकि ये संविधान राज्य का लोगों के प्रति क्या दायित्व है उसकी पूरी लिस्ट आपको देता है आपको समझ में आ गया और एक बार आपने राज्य के दायित्वों की सूची अगर बना दी तो राज्य की ताकत पर अंकुश ऑटोमेटिकली लग गया यस और नो एंड हेंस अव कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पार्स ऑफ द स्टेट और इस प्रकार संविधान राज्य की शक्तियों को सीमित कर देता है इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे कि पार्ट फोर ए जो इंदिरा गांधी जी ने ऐड करवाया था फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द पीपल तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का भाग चार ए हालांकि ये जस्टिस पार्ट नहीं है लेकिन यह ऊपर के हमने जो पॉइंट अभी बताया उसका एक छोटा सा अपवाद है और कुछ आर्टिकल्स हैं, 17, 23, 24, जिसमें अनटचेबिलिटी का प्रोहिबिशन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का प्रोहिबिशन है फैक्ट्रीज इंप्लॉइंग चिल्ड्रन वगैरह का पूरी तरह से प्रोहिबिशन है तो इसमें राज्यों की ताकत को प्रतिबंधित नहीं किया गया उन आर्टिकल्स में लोगों द्वारा फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने की ताकत को प्रतिबंधित किया गया है। तो आप यह नहीं कह सकते मेरा फंडामेंटल राइट right है मैं तो चाइल्ड लेबर को इंप्लॉय करूंगा वो आपको जेल पहुंचा देगा हालांकि भारत में चाइल्ड लेबर बहुत बड़े स्तर पर इंप्लॉयड है यह बहुत खतरनाक सच है हम आगे कवर करेंगे उसको अभी तक का सब कुछ समझ में आ रहा है कठिन तो नहीं लग रहा है आगे चलें अब अंग्रेजों के जमाने में जो इंडियन पीनल कोड आईपीसी बनाया गया था वही समय समय पर अमेंड होते होते यहां तक आया है और जो आईपीसी आपके सामने है वो भी बाउंड्रीज ऑफ बिहेवियर तय करता है आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं क्योंकि उसी में अल्टीमेटली क्राइम्स डिफाइन होते हैं उसके अलावा सीआरपीसी वगैरह अलग है और वो राज्य को ताकत देता है कि कानून व्यवस्था को किस तरह से लागू करना इसको अमेंड भी किया जाता है समय समय पर और राज्य भी उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं वो हम आगे और देखेंगे तो बेसिकली हमारे संविधान निर्माताओं की जो बेसिक स्पिरिट थी संविधान के पीछे वो ये थी कि हम एक वेल डेवलप्ड फ्रेमवर्क भारत को दें जिसके भीतर बाकी के सभी कानूनों को कार्य करना है आपको समझ में आ गया तो अब आप एक बहुत बेसिक लॉजिक समझ लीजिए जब हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया भारत में तो जो संविधान का दायरा है ऑल अदर लॉज रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ कानून जो कई दशक या कई सौ साल पुराने रहे हो 1950 के पहले के उनको खारिज नहीं किया गया जो हमारे संविधान के दायरे के अंदर आए वो मान्य हो गए जो बाहर रह गए वो अमान्य हो गए सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्रिएटेड अ बाउंड्री ऑफ एक्सेप्टेबल लॉ फॉर इंडिया इन अ वेरी यानी विशिष्ट संविधान जैसा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं है क्योंकि विशिष्ट जीरो से बनाया है कुछ बहुत ही बुद्धिमान चतुर बड़े समझदार लोगों ने जो भारत को वाकई एक प्रोग्रेसिव देश के रूप में देखना चाहते थे इच्छा रखते थे और बाकी कानून उसमें फिट कर दिए गए और जो कानून फिट नहीं होते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाते हैं ये राइट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के पास है कि वो कानूनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के खारिज कर सकते हैं उड़ा सकते हैं अब संविधान का संरक्षक कौन बनेगा ये काम संविधान ने खुद किया जुडिशरी को ताकत देके कि आप हमें बचा के रखोगे तो भारत की न्यायपालिका इसके ऊपर भी पूरे पूरे लेक्चर हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया नीचे से ऊपर तक जो आपके ट्रायल कोर्ट्स और सब कोर्ट जिनको सामान्यता कहते हैं एक्चुअली ट्रायल कोर्ट्स होते हैं जो पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल की मशीनरी है वहां से फिर हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट हो जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट और पैरेलल में एक लंबा चौड़ा भीषण ढांचा खड़ा हो गया ट्राइब्यूनल्स का जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार में भयंकर फ्रिक्शन चल रहा है अभी आजकल क्योंकि ट्राइब्यूनल ढंग से चल नहीं पा रहे हैं अपॉइंटमेंट हो नहीं पा रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आपत्तियां की तो मैं ट्राइब्यूनल्स अलग से भी पढ़ाऊंगा तो एक पूरा यूनिटरी जुडिशरी का स्ट्रक्चर भारत में है ये संविधान की रक्षा करेगा ये संविधान ने खुद कहा और क्योंकि देश कोई स्टैटिक चीज तो होता नहीं है हर पांच साल दस साल पंद्रह साल में देश बदलता है लोग बदलते हैं आवश्यकताएं बदलती हैं दुनिया बदलती है तो आप संविधान में भी संशोधन कर सकते हैं और वो काम जनता के आदेश से होगा मतलब पार्लियामेंट से होगा पार्लियामेंट जनता का आदेश है क्या आपको बेसिक मूल भावना समझ में आ गई संविधान की क्या है सारे बिंदु समझ में आ गए इसके ऊपर कोई बढ़िया कमेंट हो आप डिस्कस थ्रेड में कर सकते हैं आज का ये पहला लेक्चर क्योंकि हम यूट्यूब पर भी रिलीज कर रहे हैं पूरा अगर आपको अभी तक की जो हमने पढ़ाया उस पर कोई कॉमेंट है आपका कोई बढ़िया ऑब्जर्वेशन है कॉमेंट थ्रेड में लिखिए और हमारे स्कोर्स यूपीएससी पावर पैक की हमारी जो जून बैच है उसको तुरंत आज क्या ज्वाइन कर लें इससे बढ़िया तैयारी आपकी कहीं नहीं होगी आ जाओ बेटा ज्वाइन अब दोस्तों मैं आपको मर्म समझाता हूं सबसे बड़े कॉन्सेप्ट का और ये जिसने समझ लिया उसने संविधान की सबसे मूल बात को समझ लिया स्टेट नेशन कंट्री गवर्नमेंट पार्टी लीडर हमारे संविधान बनाने वालों ने इन सब में फर्क किया द स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टी इज डिफरेंट फ्रॉम द लीडर आपको बात समझ में आ रही है द स्टेट इज नॉट द नेशन द नेशन इज नॉट द कंट्री द कंट्री इज डेफिनेटली नॉट द लीडर बिकॉज लीडर इज ऑल कम एंड गो बट द स्टेट नेशन एंड कंट्री विल स्टे लेकिन यह सब अलग अलग है यह एक चीज नहीं है तो यह अलग अलग कैसे हैं हालांकि इस बात को कई लोग समझ नहीं पाते और उनको लगता है कि स्टेट इज द नेशन इज द कंट्री इज द लीडर नथिंग कैन बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ द स्टेट इज नॉट द नेशन विच इज नॉट द कंट्री विच इज डेफिनेटली नॉट द पार्टी विच इज डेफिनेटली नॉट एनी लीडर देखिए जब आप स्टेट की बात करते हैं दोस्तों तो स्टेट से हमारा आशय होता है राज्य व्यवस्था बात समझ में आई आपको अब राज्य व्यवस्था क्या होती है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन आ गई जुडिशियल सिस्टम आ गया और रूल ऑफ लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन आ गया कानून का राज अब ये कानून का राज जो है ये अपने आप में पूरा का पूरा एक टॉपिक है द रूल ऑफ लॉ कानून का राज वो हम कवर करेंगे आगे द रूल ऑफ लॉ कानून का राज अभी इस स्टेज पे मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ लेता हूं आपको क्या लगता है रूल ऑफ लॉ का क्या अर्थ होता है एक लाइन में समझाने का थोड़ा सा प्रयास आप चाहें तो कर सकते हैं स्टेट आ गया समझ में राष्ट्र यानी कि नेशन उसका एक कल्चर और हिस्ट्री होती है उसका एक शेयर्ड नेशनल एक्सपीरियंस होता है उसमें इमोशनल बॉन्ड्स होते हैं उसको कहते हैं नेशन भारत जब आजाद हुआ साढ़े पांच सौ से ज्यादा राजे रजवाड़े थे अंदर से खोखले हो चुके थे लेकिन वो सब अपनी अपनी मस्ती में चलने वाले लोग थे उनमें से किसी की भी ऐसी कोई मंशा तो थी नहीं कि भारत जैसा एक राष्ट्र बने सबको अपना अपना राज्य पसंद था और अगर वो उसी में आगे बढ़ पाते तो वो बढ़ भी जाते वो तो सरदार पटेल थे जिन्होंने साम दाम दंड भेद से सबको एक सीधी लाइन में खड़े करके साइन करवा लिए और एक खूबसूरत देश का निर्माण हो गया तो राष्ट्र की जब आप बात करते हैं तो उसमें कल्चर हिस्ट्री शेड नेशनल एक्सपीरियंस इमोशनल बॉन्ड सब आ जाते हैं कंट्री की जब आप बात करते हैं देश ये बनता है मैप से ज्योग्राफिकली बाउंड एंड डिफाइंड तो यूक्रेन एक कंट्री है जिससे व्लादिमीर पुतिन को बहुत चिड़ छूटती है इसलिए वो यूक्रेन के टुकड़े 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 करता चला जा रहा है यूक्रेन के लोग अपना नेशन डिफाइन करते हैं एज वी आर वन एंड वी आर नॉट रशियंस वी आर नॉट बेलारूसियंस इतिहास में आप जाओगे तो 1922 के बाद बेलारस यूक्रेन रशिया इन तीनों ने मिलकर यूएसएसआर के लिए दस्तावेज साइन किया था और फिर 1991 में ही इन्हीं तीनों ने बेलारूस यूक्रेन रशिया यूएसएसआर को भंग करने के दस्तावेज पे भी साइन किया था तो यूक्रेन की सेपरेट आइडेंटिटी पहले दिन से रही है वो अलग बात है कि पुतिन नहीं मानते हैं वैसा तो यूक्रेन एज अ नेशन इज स्टैंडिंग अगेंस्ट पुतिन अटेम्प टू डिसमेंबर इट तो 2022 में हमने जो देखा वो ये था कि वहां के लोगों की अपनी राष्ट्रीयता की भावना यह है कि हमको रूस का हिस्सा बनना ही नहीं है हम अलग हैं और इसलिए वो मरने को भी तैयार हो गए सबके सब और उनको मारा भी गया कंट्री के पास मिलिट्री फोर्स होती है क्योंकि मैप को डिफेंड करना है उसके पास अपनी एक इकोनॉमी होती है रिसोर्सेस होती है तो इंडिया की एक इकोनॉमी है आज इंडिया की इकोनॉमी तीन ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है थोड़ी कम है इससे लेकिन मोटे तौर पर आप कह सकते हो कि भारत की जो इकोनॉमी है वो तीन ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है ये जो तीन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इसी को अभी हम पांच ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की इच्छा रखते हैं दो हजार तक हमारी इकोनॉमी पांच ट्रिलियन तक पहुंच सकती है आज के नंबर्स के हिसाब से सबसे रियलिस्टिक गोल यही है दो हजार तक नहीं होगी फिर आती है सरकार ये अलग चीज है सरकार एक सिस्टम होता है स्टेट को चलाने के लिए आपको बात समझ में आ गई सरकारें आती जाती रहती हैं मतलब पार्टियां आती जाती रहती हैं सरकार अपनी जगह रहेगी लेकिन सरकार का फ्लेवर भी आता जाता रहता है सरकार परमानेंट है फ्लेवर आते जाते रहेंगे और सरकार एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है वो कोई व्यक्ति तो होता नहीं है उसकी कोई पर्सनैलिटी तो होती नहीं है फिर आते हैं पोलिटिकल पार्टीज पे पोलिटिकल पार्टी देश के नागरिक बनाते हैं आप जब चाहे पार्टी बना सकते हैं जब चाहे पार्टी को भंग कर सकते हैं हर पार्टी एक राजनीतिक विचारधारा होती है कि अगर मैं सत्ता में आई तो मैं सरकार को ऐसे चलाऊंगी यह कहती है पार्टी तो जब भारत के पहले प्रधानमंत्री बेहद डायनामिक प्रोग्रेसिव और डैशिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने 1951 के चुनाव के बाद फिर उसके बाद 1956 के चुनाव के बाद फिर उसके बाद उन्नीस सौ के चुनाव के बाद तीन बार चुनावों में जनता ने बढ़िया मेजोरिटी से उनको चुनकर प्रधानमंत्री बनाया हर बार उनको हराया भी जा सकता था हर बार वो जीते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आइडियोलॉजी पहली ही बार में बड़ी साफ कर दी कि मैं भारत को फेबियन सोशलिज्म पे चलाऊंगा मैं फेबियन मॉडल का समाजवाद लाऊंगा और उसमें मिक्स इकोनॉमी होगी विद विदीडेंस द कमांडिंग हाइट बाय द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कभी भी निवेश नहीं करता ऐसे सेक्टर्स में जिसमें रजिस्ट्रेशन पीरियड लंबा होता तो पंडित नेहरू ने एक के बाद एक के बादे, के बाद एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस खड़े किए जो भारत की बुनियाद बने 1950-60 में जो कुछ खड़ा हुआ उसी से एक पूरे भविष्य के मिडिल क्लास का निर्माण होने वाला था भारत में तो मिडिल क्लास तो थी नहीं या तो एकदम अमीर थे या बिल्कुल गरीब थे बिल्कुल छोटी सी मिडिल क्लास थी आज मिडिल क्लास हमारी काफी बड़ा सेगमेंट हो गई है उसकी शुरुआत वहां से हुई थी इसको पार्टी कहते हैं तो मैंने भारत की जो सबसे पहली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वो आपको बता दी उनके बहुत सारे प्रतिद्वंदी भी रहे कांग्रेस के भीतर भी रहे लीडर वो व्यक्ति होता है जो पार्टी चलाता है लीडर आता है लीडर जाता है लीडर को नागरिक चुनते हैं लिमिटेड टाइम के लिए और जब कोई लीडर बहुत बड़ा हो जाता है तो ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है कि ये तो भगवान और ये हमेशा के लिए लेकिन जैसे ही वो सीन से हटता है लोगों को उसको भुला देने में दो दिन भी काफी होता है एकदम से नया आदमी आता है और फिर उसी का मंडल चमकने लगता है और यही प्रकृति का नियम है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं तो जो रूल है स्टेट इज नॉट द नेशन इज नॉट द कंट्री इज नॉट द लीडर इज नॉट द पार्टी ये समझ में आ गया क्या आपको अब इसका एक अपवाद होते हैं ऑटोक्रेटिक अथोरिटेरियन स्टेट जो बिल्कुल सर्वसत्तावादी होते हैं जैसे कि चाइना शी जिनपिंग वैसे तो चाइना खुद ही एक कम्युनिस्ट मेरा चार घंटे का एक लेक्चर अवेलेबल पे चाइना पे जरूर देख लेना आपको सब पता चल जाएगा चाइना का और उससे बेहतर डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपको मिलेगी नहीं चाइना पे घंटे की मेरे नाम से मेरी चैनल पे मिलेगी देखिएगा वैसे तो चाइना एक अथॉरिटेरियन स्टेट हमेशा से रहा जहां कम्युनिज्म ने अपना कब्जा रखा लेकिन शी जिनपिंग ने उसको और भयानक अथॉरिटेरियन कर दिया यहां तक कि डेंग शाउपिंग का दस साल से ज्यादा कोई लीडर नहीं होगा उस सिद्धांत को भी शी जिनपिंग ने तोड़ दिया

अपनी काफी सारी ऊर्जा इस चीज पर खर्च करते हैं कि स्टेट नेशन कंट्री लीडर पार्टी एक ही हो जाए उससे लोगों की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और उनकी सत्ता लंबी चलने लगती है अब अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट परीक्षा में सवाल आए तो क्या आप जवाब दे पाएंगे बढ़िया दे देना भैया नहीं तो पता चला मेरे पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए तो ये जो भारत का बड़ा खूबसूरत सा मानचित्र आप देख रहे हैं इसको एक बार ध्यान से देख लें देख लिया आपने तो ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये आपकी कंट्री है समझ में आ गया इस कंट्री का एक इतिहास है जो नेशन बनता है जिसमें बहुत सारी धाराएं हैं कई कई धाराएं चली हैं आज जो इस कंट्री का पूरा गवर्निंग सिस्टम है वो है स्टेट जिसको चलाने का काम हमने दिया है गवर्नमेंट को जिसके लिए हम हर पांच साल में पार्टी को चुनते हैं या दो को चुनते हैं कोलिशन को चुनते हैं जिनको चलाते हैं लीडर्स अब आपको समझ में आ गया पूरा कनेक्शन तो अब आप एक काम करो ये सब जो मैंने अभी बोला इसको एक वाक्य में सूचीबद्ध कर लो अपनी नोटबुक में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी मैं फिर से एक बार बोल देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो पहले अंग्रेजी में बोल देता हूं फिर हिंदी में बोल दूंगा प्यारे दोस्तों दिस मैप रिप्रेजेंट द कंट्री विच हैज हैड अ सर्टन कल्चरल सिविलाइजेशनल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विच क्रिएट्स अ नेशन एंड द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ दिस कंट्री एंड नेशन टूडे इज द स्टेट टू रन विच वी नीड अ गवर्नमेंट फॉर विच वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन

तो वो राष्ट्र बनता है लेकिन आज उसकी गवर्नेंस व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था राज्य व्यवस्था कहलाती जिसको चलाती है सरकार जिसके लिए हर पांच साल में हम पार्टियों को अपना आदेश देते हैं चुनते हैं जिनमें नेता होते हैं कई बार अधिक पार्टियां गठबंधन सरकारें बनाती हैं तो एक से ज्यादा विचारधाराएं साथ में देश को चलाना शुरू करती हैं बात समझ में आ गई आपको इस तरह से अपने विचारों को आप व्यक्त करें और इन चीजों में अंतर करना सीखिए एक बार आपने इस पैटर्न पे सोचना शुरू किया तो आपकी एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होगी देश की पॉलिटिक्स दुनिया की पॉलिटिक्स को देखने का आपका नजरिया मेच्योर बनेगा परिपक्व बनेगा आप किसी की बातों में बहकावे में नहीं आएंगे बल्कि आप हर चीज को सोचेंगे कि ऐसा है क्या फ्रेमवर्क मुझे संदीप सर ने दिया था उसमें फ्रेमवर्क में कहा क्या फिट बैठ रहा है आपका अपना एनालिसिस होगा 21वीं सदी में यदि आपको वाकई में सफल होना है तो प्लीज बिकम अ फ्री थिंकर आप सारी बाउंड्रीज को तोड़ के अपनी थिंकिंग खुद डेवलप करो अब ये कठिन काम होता है इसमें लोगों को कई बार बहुत डर भी लगता है इसलिए लोग फ्री थिंकिंग छोड़ के बस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं आप वैसा मत करना क्योंकि भगवान ने जो दिमाग दिया उसको वेस्ट नहीं करना है खुद को ठीक है अब मैंने अभी जो बताया अथॉरिटेरियन लीडर स्पेशलाइज इन मिक्सिंग अप ऑल दीज आइडियाज तो हमने अभी इसके ऊपर दो मिनट पहले बात की थी कि जो अथॉरिटेरियन लीडर्स होते हैं उनका तो डेफिनेटली यही एक इच्छा होती है कि हम इन सब चीजों को मिक्सअप कर दें तो उस केस में द पार्टी इज द स्टेट द गवर्नमेंट इज द कंट्री इज द लीडर इसके लिए मैं आपको चाइना का उदाहरण दे चुका हूं हंगरी के विक्टर ओरबान का उदाहरण दे चुका हूं रशिया के व्लादिमीर पुतिन का उदाहरण दे चुका हूं हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज द प्रेसिडेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर याद रखिएगा जहां तक भारत का सवाल है हमारे जो राज्य प्रमुख हैं उन्हें हम कहते हैं भारत के राष्ट्रपति तो भारत के राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होते हैं और भारत के सरकार के जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं ये दोनों पद भारत में अलग अलग रखे गए हैं कई देशों में ये पद अलग अलग नहीं होते हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ रहा हूं व्हाट इज द सिचुएशन इन यूएसए इज द हेड ऑफ द स्टेट द सेम एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन यूएसए व्हाट अबाउट चाइना व्हाट अबाउट रशिया इन तीनों के बारे में थोड़ा पता करके कमेंट में मुझे बताओ कि यहां क्या हो रहा है इन तीनों देशों में भारत में ये दोनों अलग अलग हैं आपको बात समझ में आ गई प्यारे दोस्तों अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपको भारत का पूरा इतिहास का एक जो बिल्कुल पांच मिनट का राउंड अप दिया था यह उसका निचोड़ है और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन करेंगे देखिए क्या है यूनिक स्पिरिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको फिर से ये बता दूं कि भारत बहुत सारे धर्म की धर्मों की जन्मस्थली रहा है भारत में बहुत सारे पंथ पैदा हुए बहुत सारे सेक्ट्स पैदा हुए भारत में बहुत सारे लोग अंदर आए और यहीं एसिमिलेट होके भारतीय बन के रह गए और मल्टीपल धाराएं एक साथ चलती चली जा रही हैं लेकिन इन सभी धाराओं में मोटे तौर पर हम ये पाते हैं कि एक इंडिविजुअल के ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट वॉज कंप्लीटली एलियन टू दिस लैंड और दूसरे बहुत सारे सोशल इश्यूज तो खेल रहे हैं जो सही समय पर हम डिस्कस करेंगे हमारे संविधान ने एक नया मॉडल चुना यह बहुत बड़ी बात थी द सिटीजन वॉज नाउ द सेंटर ऑफ द इंडियन सिस्टम द कम्युनिटी इज नॉट सेंटर द ग्रुप्स आर नॉट द सेंटर भारत के संविधान ने हर नागरिक को केंद्र में रखा इसीलिए पार्ट थ्री संविधान में डाला गया फंडामेंटल राइट right. आपको बात समझ में नागरिक के अधिकार सर्वोच्च माने गए प्रैक्टिस में भले ही वो नहीं हो रहा हो हमारे आज भी गांवों में जिस तरह की एकदम बैकवर्ड प्रथाएं कई जगह आपको मिलेंगी कई जगह जो पूरा तालिबानी सिस्टम पंचायतों ने चला रखा है जिसके वीडियोस अक्सर लीक होकर सोशल मीडिया पे आते हैं कि फिर पकड़ के उसको लठ से पीटे ही जा रहे हैं हर जगह नहीं होता है लेकिन कई जगह होता है तो ऐसा नहीं है कि ये अभी भी हम पूरी तरह लागू कर पाए सच्चाई यही है लेकिन फिर भी एक मॉडल है ये अपने आप में बड़ी बात है तो सिटीजन इज एट सेंटर ऑफ दी सिस्टम व्यवस्था के केंद्र में नागरिक हैं, समुदाय और समूह नहीं और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों बार अपने वर्डिक्स में बिल्कुल साफ कर दी है कि द कम्युनिटी एंड द ग्रुप इंटरेस्ट कैन नेवर सुपरसीड इंडिविजुअल इंटरेस्ट जी हां यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों बार कही है किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे संवैधानिक व्यवस्था तो यही है हर नागरिक को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं मौलिक अधिकार और यह किसी भी डीएम के सीएम के पीएम के डिस्क्रिशन पे नहीं है उसके विवेक अधिकार पे नहीं कि मुझे तुमको अधिकार देना है ये अधिकार संविधान ने दिया है किसी डीएम सीएम पीएम ने नहीं दिया है और ये किसी ड्यूटी को फुलफिल करने पे कंटिंजेंट नहीं है याद रखिएगा देर इज नो लॉ इन इंडिया विच से यू फुलफिल दीज ड्यूटीज यू कैन नॉट एंजॉय दीज राइट एब्सोल्यूट रबिश योर फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट बिकॉज यू एग्जिस्ट एज अटीजन ऑफ इंडिया वेदर और नॉट यू फुलफिल द फंडामेंटल ड्यूटी दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स यू मे लाइक इट यू मे डिसलाइक इट सिस्टम समझ में आ गया तो आपके जो अधिकार हैं वो आपके हैं भले आप फंडामेंटल राइट्स को फुलफिल करो या नहीं करो आपके राइट्स आप फंडामेंटल ड्यूटीज को आपके राइट्स आपसे नहीं ले सकते आप जैसे सिंपल सा उदाहरण दे दूं फंडामेंटल ड्यूटीज में एक है साइंटिफिक टेम्परामेंट आपकी वैज्ञानिक सोच होगी अब अगर हम भारत में यह नियम बना दें कि जिसकी वैज्ञानिक सोच है उसी को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे सत्तर तो अस्सी परसेंट भारतीयों के तो राइट्स एक मिनट में एक्सटिंग्विश हो जाएंगे तो ऐसा तो नहीं करना चाहोगे ना आप अपने भाई बहनों के राइट्स इस तरह से तो थोड़ी बढ़ा दोगे अडल्ट हैव एजेंसी ऑफ एक्शन ये बहुत बड़ी बात है अगर आप अट्ठारह साल के हो चुके हैं लड़की हैं या लड़का है आप अगर वयस्क हैं आप अपने जीवन के निर्णय ले सकते हैं कोई आप पे दबाव नहीं डालेगा यह संविधान कहता है समाज कुछ भी कहे कोई भी स्टेट का अपना बनाया हुआ कानून कुछ भी कहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टिल डे टिल नाउ इज वेरी क्लियर एन अडल्ट मैन और एन अडल्ट वुमन इन इंडिया इंजॉय फुल फ्रीडम एज फार एज देयर लाइफ आर कंसर्न इट मे नॉट साउंड वेरी लॉजिकल टू यू गिवन द रिसेंट ट्रेंड इन सोसाइटी बट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन इज डिफरेंट एंड वी आर लर्निंग कॉन्स्टिट्यूशन सो आई एम टीचिंग यू कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान ने एक इगैलीटेरियम सिस्टम बनाने का प्रयास किया जिसमें सोशल हैरार की नहीं हो हालांकि हम इसमें पूरी तरह विफल हो चुके हैं, लेकिन कोशिश तो हुई कि सामाजिक पदानुक्रम के बगैर एक समतावादी व्यवस्था बने इसीलिए बहुत सारे उसके अंदर आप एक पॉजिटिव री की एक्शन देखेंगे आप उसमें रिजर्वेशन सिस्टम का उदय होता देखेंगे बहुत सारी चीजें देखेंगे लेकिन समय के साथ अभी लंबा रास्ता तय करना और जो पांचवी चीज है इट रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द स्टेट एंड इट्स एजेंसी सब्सटेंशियली हमारे संविधान ने राज्य को उसकी एजेंसी की शक्तियों को बहुत सीमित कर रखा और उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस की पूरी व्यवस्था बना के दी है समय समय पर अलग अलग सरकारों में उसका कभी दायरा विस्तारित हो जाता है कभी घट जाता है कभी जुडिशियरी बहुत ताकतवर हो जाती है कभी एकदम अपनी खोल में अंदर चली जाती है ये चलता रहता है लेकिन संवैधानिक व्यवस्था यह है यह पांच चीजें हमारा संविधान कहता है एबीसीडी वन टू थ्री फोर फाइव इसको बहुत अच्छे से समझ लो अगर आपने यह समझ लिया तो आपने संविधान की आत्मा को समझ लिया तो वो जो ढाई साल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे विद्वानों ने चर्चाएं की थी यह उसका सार मैंने आपको दे दिया है आगे के लेक्चर्स में डॉक्टर आंबेडकर के अलग अलग भाषणों पर हम नजर डालेंगे उनकी चेतावनियों पर हम नजर डालेंगे डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी के ग्राम स्वराज के विजन को पूरी तरह से क्यों खारिज करवा दिया उस पर हम बात करेंगे वो सब आगे आगे आएगा वी विल क्रॉस द ब्रिज वी कम टू इट तो क्या ये पांच बिंदु क्लियर हो गए सबको कहीं कोई डाउट तो नहीं अगर आपको आज के लेक्चर में किसी भी प्रकार के बड़े डाउट्स हैं सारे अपनी नोटबुक में बेटा अच्छे से लिख के रख लो मैं आपको बता चुका हूं पूरे हफ्ते जो छह लेक्चर होंगे आपके जो बड़े डाउट्स हैं उनको अलग से पूरे लिस्ट में लिख लो शनिवार शाम को छह बजे मैं आपके साथ लाइव चैट के साथ में आ जाऊंगा आपके सारे सवाल एक एक करके लूंगा और उसमें अच्छे सवाल पूछता क्योंकि उसमें सबका फायदा होगा और हमारी बहुत बढ़िया इंटरेक्शन वन टू वन लाइव चैट के साथ शनिवार को होगी तो ऐसा अगली चौबीस पच्चीस हफ्तों तक होता रहेगा आगे क्या बात समझ में अब एक कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन करवा देता हूं जरा इस सवाल को अच्छे से पढ़ो कॉन्सेप्ट बिल्डर इसलिए बोला है क्योंकि यह बहुत तगड़ा सवाल है ज अ प्रूफ और आर प्रूफ द कॉन्प्ट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया वॉज ऑलवेज कंप्लीटली सेक्यूलर बिफोर ट्वेंटी नाइनटीन बहुत प्यारा सवाल है दो हजार उन्नीस से पहले भारत में नागरिकता की अवधारणा पूर्ण रूप से पंथ निरपेक्ष थी इस बात का सबूत निम्न में से क्या है ठीक है ना आपको ए बी सी डी में से आंसर देना है पढ़ो इसको अच्छे से और मैं कुछ सेकंड का आपको समय देता हूं और कमेंटेड में ए में से आंसर दीजिए यस सर, तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए ए या बी या सी या डी क्या लगता है आपको तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को आपको काफी अच्छा एक इंसाइट देता है कि इसका सही उत्तर है वन टू एंड थ्री मतलब ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है और ये तीनों बिंदु हमें बताते हैं कि 2019 से पहले नेचर ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया क्या था आ गया समझ में तो ये संविधान की बहुत ही बेसिक स्पिरिट से जुड़ा हुआ बिल्डर था इसे आप याद रखिएगा ये या आपको काम आएगा अब हम शुरू करते हैं क्विक समरी ऑफ हाउ द होल थिंग स्टार्टेड लंबी यात्रा रही है संविधान की तो कहीं ना कहीं से यात्रा की शुरुआत तो हुई ही होगी तो उस शुरुआत का एक त्वरित सारांश हम लेते हैं और इसमें विदेशियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो विदेश से आई हैं अब हम तो आपको स्पेनिश एम्पायर तक ले जाएंगे क्या बात कर रहे हो सर हाँ जी सर आपको यहां तक ले जाएंगे परीक्षा में तो कुछ भी पूछ लिया जाता है तो जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिन्होंने दरअसल 1950 के लागू किए हुए संविधान की नींव रखी वो अब हम देखने जा रहे हैं तैयार हैं आप अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताना चाहूंगा हमारे इस खूबसूरत से पावर पैक कोर्स का जो आखिरी मॉड्यूल है वो है एंशंट एंड मिडेवल इंडियन हिस्ट्री अब ये पूरा कोर्स तो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मैं एंशियंट और मिडेवल भी पढ़ाऊंगा उसमें जो मिडेवल इंडियन हिस्ट्री है और पोस्ट मिडेवल वगैरह है अर्ली मॉडर्न है उसमें ये वाले हिस्से आपको बहुत काम आएंगे तो ये इस तरह से आप कनेक्ट करके थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखिएगा और जब अपनी नोटबुक बनाए उसमें ये बिंदुओं को थोड़ा सा लिख लीजिएगा वैसा देखो यार हुआ क्या आज भारत एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जिसके पास एक स्ट्रक्चर्ड वेल रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ये बात तो सभी मानोगे एक आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसके पास एक व्यवस्थित सुलिखित संविधान है ब्रिटेन के पास अपना लिखित संविधान नहीं है कई बार आपके मन में सवाल आता होगा कि यार ये बिना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के यूनाइटेड किंगडम चलता कैसे उसका जवाब भी मिलेगा आपको तो किसी के पास वो जवाब है क्या अभी भारत के पास तो लिखित में है हमारा संविधान क्या करता है इट गवर्न एंटायर डिजाइन ऑफ द इंडियन स्टेट मशीनरी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सेंटिनल गार्ड इज द सुप्रीम कोर्ट ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले देख ली थी ठीक है ये रिविजन ही हो रहा है लेकिन इसका जो निर्माण हुआ ये कोई पांच साल दस साल की प्रोसेस नहीं थी लगभग डेढ़ सौ साल की प्रक्रिया का कल्मिनेशन था जिसमें एक्ट, रिफॉर्म्स भारत के जितने भी अंग्रेज रूलर्स रहे वो लेकर आए थे और अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाए हुए विभिन्न कानूनों इत्यादि की जो फाइनल फाइनल परिणति हुई वो हमारे संविधान के रूप में हमारे सामने आज है नेचुरली उसमें हमने बहुत सारे परिवर्तन समय के साथ भी किए शुरू में भी किए थे लेकिन अगर आप एकदम शुरुआत में जाना चाहोगे तो आपको हमारे साथ स्पेन की यात्रा करनी पड़ेगी स्पेन की यात्रा करना शुरू कर रहे हैं तो क्या किसी हिंदी की बड़ी खूबसूरत बॉलीवुड मूवी में कुछ तीन हीरो स्पेन गए थे घूमने कहाँ गए थे स्पेन गए थे कि इटली गए थे बताइए मुझे और मूवी कौन सी थी और उसमें बड़े प्यारे प्यारे गाने भी थे तो किंग फिलिप्स द सेकंड ऑफ स्पेन जो था वो अपनी पत्नी मेरी फर्स्ट के साथ इंग्लैंड का को मोनार्क था किंग फिलिप्स द्वितीय जो थे वो पंद्रह तक अपनी पत्नी के साथ में इंग्लैंड का सह शासक था अभी ये सब मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूं ये हम थोड़ा इतिहास में गोता लगा रहे हैं किंग फिलिप सेकेंड कैथोलिक था लेकिन मेरी फर्स्ट की जो सक्सेसर क्वीन थी एलिजाबेथ, वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन थी आपको पता ही है क्रिश्चियन धर्म में ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स ये दो बहुत बड़े अलग अलग गुट हैं और प्रोटेस्टेंट जिन्होंने कैथोलिक पूरी प्रथाओं के खिलाफ ही प्रोटेस्ट किया मार्टिन लूथर ंग जर्मनी से जिन्होंने पूरा प्रोटेस्टेंट धर्म की नींव डाली लूथेराम क्रिश्चियनिटी जो जर्मनी का सबसे बड़ा क्रिश्चियनिटी का पंथ है जिसमें उन्होंने कैथोलिक चर्च से विद्रोह किया और बहुत सारे सवाल पूछे कि तुम्हारी ये ये रिजिड प्रथाएं गलत वो गलत ये गलत वो गलत वो और मैं ये क्यों मानू मैं ये क्यों मानू ये मुझे समझाओ ये मुझे समझाओ ऐसे पैम्फलेट लगा दिए थे और वहां से लूथेरान क्रिश्चियनिटी और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ मैंने सरल बताया है हालांकि इससे थोड़ी सी जटिल है वो कहानी तो वो प्रोटेस्टेंट थी आप जो किंग फिलिप सेकेंड थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि एलिजाबेथ का पत्ता साफ कर दिया जाए और 130 जहाजों का जंगी बेड़ा जो है जंगी जहाजों का बेड़ा आमड़ा कहते हैं जिसको वो भेज दिया इंग्लैंड पे धावा 1588 में लेकिन एलिजाबेथ जो थी वो तो बहुत ही चतुर निकली उसने इस 130 जहाजों के बेड़े को हरा दिया अब ये स्पेन की बहुत बड़ी हार हो गई थी ये इतिहास में बहुत बड़ी करवट थी इंग्लैंड बिकेम द बिगेस्ट एनिमी ऑफ स्पेन्स एक्सपेंशन इन टू द नेदरलैंड्स एंड द न्यू वर्ल्ड विच वॉज द अमेरिका अब जैसे ही इंग्लैंड की नेवी ने स्पेन को हराया वहां से अचानक दुनिया को ये अब पता चला मतलब यूरोप को लार्जली ये पता चला कि स्पेन के एक्सपांशन के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा अब बन चुका है इंग्लैंड आपको पता ही होगा स्पेन और पुर्तगाल ने आपस में दुनिया को बांट लिया था इसके पहले कि भैया ये आधी दुनिया तेरी आधी दुनिया मेरी और अब इंग्लैंड उसके रास्ते का रोड़ा बनने वाला था और वही इंग्लैंड बाद में पूरे भारत का राजा बना और डेढ़ सौ सालों के अपने राज में उसने जितने कानून इत्यादि बनाए वो फाइनली संविधान के रूप में परिणित हुए बात समझ में आई आपको कहने का मतलब यह है कि अगर 1588 में उस 130 जंगी जहाजों के बेड़े को एलिजाबेथ ने हराया नहीं होता तो शायद ब्रिटेन का कब्जा कभी भी भारत पे हुआ नहीं होता तो इतिहास में ऐसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स होते हैं राजा हेमू को वो तीर नहीं लगा होता तो क्या होता वगैरह 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 आगे बात समझ में आई होप दी इज एप्सोल्यूटली क्लियर तो इससे जुड़े जो अलग अलग ब्रिटेन के शाही घराने हैं वो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं इसको आप जरा सा देख लीजिएगा इसको पढ़ लीजिएगा वैसे आप इसको चाहें तो थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं बट जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर तो एंशियंट हिस्ट्री मीडियवल हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होती है ना इसलिए मैं बता रहा हूं तो यहां पर आप जैसे देखोगे प्यारे साथियों तो ये फिलिप सेकेंड ऑफ स्पेन मेरी वन ऑफ इंग्लैंड तो इस प्रकार से ये इनकी फैमिली ट्री बनती है और फिलिप्स की पत्नियों की यहां पर आपको सूची दिखेगी उसके बाद आप ये पाएंगे कि यहां पर हाउस ऑफ ट्यूडोर का जो उदय होता है और ये एलिजाबेथ फर्स्ट आती है यहां पर तो इस प्रकार से इंग्लैंड का उदय होना शुरू होता और यह प्रोटेस्टेंट रानी थी किंग फिलिप जो था वो कैथोलिक था आ गया समझ में तो स्पेनिश एम्पायर आप देख रहे हैं 1492 से 1976 तक रहा समझ में आ रहा है इतिहास के कुछ सबसे बड़े एम्पायर में से आप देखो ना मैप में सब जगह रंग बिरंगा कर रखा है और पुर्तगालियों के साथ यूरोपियन एज ऑफ डिस्कवरी लाने वाला ये दूसरा बड़ा एंपायर था दूसरी तरफ पुर्तगाली थे ब्रिटिश एम्पायर की बात करें तो सबको पछाड़ के सोलह सदी के बाद ये आगे निकल गया और सारी दुनिया पे कब्जा कर लिया इंक्लूडिंग एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारत के संविधान पर इसका सबसे गहरा असर आया अपनी चरम पर यह विश्व का सबसे बड़ा एंपायर बना उतना बड़ा एंपायर फिर कभी बन नहीं पाया है 1913 में दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी इसके अंडर थी और एक चौथाई भूभाग भी और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल और कल्चरल लेगेसी आज कॉमनवेल्थ नेशंस में सब तरफ फैली हुई है अब आप थोड़ी गंभीरता से इस बात को समझिएगा कि आखिर इंग्लैंड ही क्यों दुनिया पे कब्जा कर गया फाइनली उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर इंग्लैंड में 1215 से विकसित होता हुआ आया अब आप सोच रहे सर क्या बात कर रहे हो सर बारह अरे एक घंटा हो गया पता ही नहीं चला लेक्चर चालू होकर एक घंटा कब बीत गया दो घंटे का हमारा ऑफिशियल लेक्चर है आज पहली क्लास है हो सकता है दो का सवा दो घंटा हो जाए वैसे मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम विद इन टू आवर्स सारे लेक्चर्स कंप्लीट करूं हम आपको स्टडी मटेरियल बहुत सारा देते हैं जो आप पीडीएफ के रूप में जो पढ़ रहे हैं आपको मिल जाएगा यह जरूरी नहीं कि मैं एक एक लाइन क्लास में पढ़ाऊं कई चीजें आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होंगी वो आप करेंगे प्रॉमिस करते हैं ना अच्छे से करेंगे जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जितने इंसाइट होंगे वो तो मैं आपको यहां पे दे ही दूंगा उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा दोस्तों कि आप पूरी कोशिश करके हर लाइव क्लास को बराबर सुबह सात से नो अटेंड करें स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके उसको पूरा रिवाइज करें अच्छे से उसको पढ़ें और शनिवार के डाउट्स क्लियरिंग में अपने सारे सवाल पूछे और बढ़िया लाइवली इंटरेक्शन में हिस्सा लें तो अब एक घंटे का समय बचा है उसमें हम लेक्चर को कंप्लीट करते हैं अब 1215 में इंग्लैंड में क्रांति हो गई थी मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम यह किसी ने सपने में नहीं सोचा था द ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टी राजा के अधिकारों को वहां की नोबिलिटी ने तलवार की नोक पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि राजा मन माने ढंग से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता आपको कानून का पालन करना होगा रूल ऑफ लॉ मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम तो दरअसल हमारे संविधान की नहीं, में मैं काटा में पड़ चुकी थी। फिर और वो सारी चीजें आज के सारे कॉमनवेल्थ नेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको दिखाई देती है आपको बात समझ में कहां से वो बीच पड़ते गए और उनका कितना लंबा प्रभाव पड़ा तो ब्रिटिश एम्पायर की जो पूरी एक छाया है उसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं कॉमनवेल्थ नेशन में दिखाई तो देती ही है अब ट्राइंगुलर स्ट्रगल बहुत जबरदस्त रही है यूरोप की फ्रेंच पोर्चुज और ब्रिटिश के बीच में फाइनली ब्रिटिश ने फ्रेंच को भी धो डाला और पोर्चुगीज को भी धो डाला पंद्रहवीं सोलवी सत्रहवीं सदियों में भारत में पुर्तगाली बहुत ताकतवर थे गोवा पूरा उन्होंने हथिया ही लिया था लेकिन फाइनली वो अंग्रेजों के सामने घुटने टेक गए और बची कु नेहरू ने उनको कूट के गोवा से भगा के उन्नीस में पूरी कर दी फ्रेंच फिर भी डटे रहे टीपू सुल्तान के खास साथी बन चुके थे और स्टेट ऑफ मैसूर आज का, स्टेट का मैसूर हूं अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था इसीलिए 1799 में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की हत्या के इरादे से ही वे सेना लेके गया था क्योंकि उसके पहले वो अमेरिका लूज कर चुके थे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अब वो इंडिया को लूज नहीं करना चाहते तो टीपू सुल्तान उनको इंडिया में कभी भी जमने देता नहीं क्योंकि फ्रेंच पूरी तरह उसकी मदद कर रहे थे लेकिन फाइनली टीपू की हार हुई उसके साथ फ्रेंच का भी यहां से पूरा पाया उखड़ गया और वो खत्म होते चले गए और पूरा देश धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथों में चला गया ये यूरोपीय शक्तियों का इंडिया के कंटेक्ट में क्या हुआ मैंने आपको बता दिया उसके बाद से सत्रह के पलाशी के युद्ध को जीतने के बाद से ही अंग्रेजों ने भारत पर प्रशासन चलाना कितना कठिन है बात को समझा और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में नए 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 दिशा निर्देश आते रहे ये जो कानून ब्रिटेन की पार्लियामेंट से बने बहुत सारे कानून बने फाइनली 1935 का भारत सरकार अधिनियम सबसे बड़ा कानून आया जिसके बहुत सारे हिस्से संविधान में आए आज हम जीओ एक्ट के कुछ हिस्से हम देखते हैं हैं कि संविधान में मौजूद और ईस्ट इंडिया कंपनी जो खुद थी वो एक चार्टर के तहत स्थापित हुई थी ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ की परमिशन से और पहले वो सिर्फ ट्रेड करने आई थी लेकिन उसको भारत आने के बाद एक बात जो समझ में बहुत जल्दी आ गई कि भारत के लोग आपस में पूरी तरह से बटे हुए थे इनको आपस में लड़वाना बहुत आसान था और बहुत आसानी से वो जीतते चले गए और भ्रष्टाचार बहुत तेजी से उन्होंने फैलाया सत्रह का जो पलाशी का युद्ध उन्होंने जीता वो बैटल ऑफ प्लासी कैसे जीता रॉबर्ट क्लाइव अगर आप उसकी स्टडी करेंगे जो हम आपको करवाएंगे तो आप भी सोचेंगे इसको तो हराना बहुत आसान था लेकिन अल्टीमेटली वो तो जीत गया थोड़ा उसमें भ्रष्टाचार था थोड़ा आपसी फूट थी थोड़ा लोगों का पूरी तरह से डिसइंटरेस्टेड होना था थोड़ा क्लाइव का पागलपन था लेकिन पलाशी का युद्ध जीतने के बाद बंगाल उसके हाथ में आ गया और फिर बक्सर जीतने के बाद तो बंगाल अवध यूपी सब कुछ उसके हाथ में आ गया और मराठों ने उस पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं तो वो बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए पूरा देश ही उनके हाथ में आ गया आपको समझ में आ गया हिस्टोरिकल इवेंट्स विच लेट द फाउंडेशन आई होप दिस इज क्लियर आपको पूरा टोटेलिटी में पढ़ाऊंगा हर चीज पढ़ाऊंगा इसलिए हम इस तरह से आगे जा रहे हैं याद रखिएगा ये जो ऐतिहासिक घटना है हमने अभी जो बात की वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन क्या खूबसूरत चार्ट है ठोको ताली बोलो संदीप सर जिंदाबाद अब आप अच्छे से देखेंगे जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिन्होंने पूरी फाउंडेशन संविधान की रखी नौ चरणों में आपके सामने है देख लो बेटा सबसे पहले ब्रिटिश ईआईसी की स्थापना हुई तो ये पहले इंग्लिश थी बाद में ब्रिटिश बनी याद रखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर प्रोपराइटरियन है जिन्होंने उसको शुरू किया उसके नीचे होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उसमें गवर्नर था 24 निदेशक थे और उनकी 10 कमिटीज ये बीआईसी का ढांचा था इस ढांचे को याद रखना ये इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है पूछ सकते हैं एग्जाम में कुछ भी पूछता है यूपीएससी वाला ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार की बहुत सारी विफल कोशिशें पहले दस सालों में हुई 31 दिसंबर 1600 सो ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम से 216 सौ सोलह वर्ग के नोबेल ने रॉयल आदेश प्राप्त करने में सफलता हासिल की ईस्ट ऑफ द केप ऑफ गुड होप एंड वेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मेघालैंड में मोनोपोली ऑन ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी ने दे दी जैसे ही इंडियन ओशन में आए तो वहां पर डच और पुर्तगालियों के साथ कंटिन्यूस नेवल लड़ाइयां होना शुरू हो गई कभी ब्रिटिश हारते कभी ब्रिटिश जीतते धीरे धीरे बीई ने भारत में बेसिस बनाने शुरू कर दिए यह सब कुछ आपको पैरेलल हिंदी में भी उपलब्ध है ध्यान रखिएगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ा मैं एकदम सरल हिंदी में ही रहा हूं कहीं कहीं इंग्लिश यूज करता हूं मटेरियल इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रहा हूं इससे ज्यादा सपोर्ट मिल नहीं सकता थोड़ा आप भी जोश के साथ पढ़े चीजें आसान लगेगी इतना मुश्किल नहीं है और जो लोग हमें आज यूट्यूब पर देख रहे हैं देरी किस बात की अपनी तैयारी की शुरुआत आज से करो इससे ज्यादा हाई क्वालिटी कोर इतना एफोर्डेबल कोर्स जो हर कोई एफोर्ड कर सकता है आपको मिलेगा नहीं अभी कभी एनरोल करो एनरोलमेंट लिंक नीचे है आप मंथली बेसिस पे आ जाओ या फुल एनरोलमेंट लेकर भी आ सकते हो इतना एफोर्डेबल है कि आपको वैल्यू फॉर मनी इससे बेहतर कहीं नहीं मिल सकती आ जाओ भाई पीटी फैमिली का हिस्सा आज के आज बन जाओ तो बी भारत में बेसिस बनाने लगा सूरत में 1612 मद्रास 1639 बॉम्बे 1668 कलकत्ता 1694 फोर्ट विलियम बंगाल फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास बॉम्बे कासल ये सारे नाम याद रखना और बॉम्बे जो है जो आज का मुंबई है वो तो दरअसल किंग चार्ल्स सेकंड को दहेज में मिला था सोलह में फॉर कैथरीन द अब आप सोचिए पूरा का पूरा बॉम्बे जो है वो दहेज में मिला था भाई साहब को तब वहां ज्यादा कुछ था नहीं सोचिए आज कोई बॉम्बे किसी को दहेज में दे रहा क्रिएटेड <laughs> इन एक नया कानून आया ब्रिटेन की संसद में और वहां से एक पैरल ई आई सी का निर्माण हुआ लेकिन अल्टीमेटली दोनों मर्ज हो गए और पार्लियामेंट और कंपनी अब आपस में भिड़ गए देखिए इस बात को समझिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने वाले लोग वहां के सबसे अमीर थे ब्रिटेन के इंग्लैंड के जिसमें से कुछ वहां के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी थे उनका मिला गठबंधन था अब ये लोग पार्लियामेंट में दबाव डाल डाल के अपने फेवर में कानून बनवाते थे तो जो लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर या मालिक नहीं थे वो विरोध करते थे क्योंकि उनको ये दिखने लगा था कि इनके हाथ कोई जैकपॉट लगने वाला है तो वो उनको रोकने की हर कदम पे कोशिश करते थे तो ब्रिटेन की संसद में और इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हमेशा तनाव बना रहा जिस तनाव की समाप्ति बीईआईसी e. की समाप्ति के साथ हुई जब लॉर्ड डलहौजी के बहुत ही आक्रामक रवैये से भारत में अठारह की क्रांति हो गई और सब तहस नहस हो गया उत्तर भारत में और तब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने महारानी को ही सारा द क्राउन took over basically और ब्रिटिश राज आ गया कंपनी राज समाप्त हो गया बात समझ में आई आपको तो इस प्रकार से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी थी आई होप दिस इज टोटली क्लियर तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपने चरम पे थी दोस्तों तो वो दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल कंपनी थी जो सबसे बड़े देश पे कंट्रोल करती थी अब आप सोचिए कोई कमर्शियल कंपनी किसी देश की राजा बन जाएगी तो वो तो चमड़ी भी उतार लेगी लोगों की एग्जैक्टली exactly वही किया है दादा भाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में आ गया आगे आपको पढ़ाऊंगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अंग्रेजों ने भारत को कैसे लूटा अंग्रेज भारत से दौलत खींच के यूरोप ले गए सब कुछ भारत से निकल गया पूरा कंगाल कर दिया भारत को और इतने तरीकों से कंगाल किया कि आप सोच ही नहीं सकते तो जो हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसमें नेशनलिस्ट लीडर्स को अंग्रेजों से अनेक स्तरों पर लड़ना पड़ा इसीलिए वो इतना लंबा चला संघर्ष वो भी हम आगे इंडिया इंडिपेंडेंट मूवमेंट में बहुत कुछ पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा आपको नए नए इंसाइट मिलेंगे और दादा भाई नौरोजी ने अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से यह साबित कर दिया था कि कैसे यहां की दौलत ब्रिटेन चली गई तो ये एक बड़ा यूजफुल चार्ट है किस प्रकार से यूरोपियन सेटलमेंट्स भारत में हुए पुर्तगाली हैं इंग्लिश हैं फ्रेंच हैं डच है डेनिश है और ये सब सत्रहवीं सदी में हो रहा था मुगल साम्राज्य तब बहुत ताकतवर था और उस वक्त अगर एम्पर जहांगीर यह चाहता तो इन लोगों को खत्म भी कर सकता था लेकिन इन लोगों ने संधियां करके परमिशन लेके अपना धंधा आगे बढ़ाया और उसके बाद ये इतने मजबूत होते चले गए और मुगल धीरे धीरे इतने कमजोर होते चले गए औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल जो एकदम से समाप्त हुए क्योंकि वो दखन में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता रहा और वहीं रोते रोते 1707 में मरा तो उसके बाद अंग्रेजों के हाथ में सत्ता बहुत तेजी से आने लगी नहीं तो वो हालत नहीं होती जो हुई तो ये कुछ है इसको आगे और देखेंगे अब जो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो यहां आपको 26 चरणों में मैंने अपना हैंड रिटर्न चार्ट दिया है ये पूरा मैंने अपने हाथों से बनाया है रात रात भर जाग के बनाया है स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के बनाया क्योंकि ऐसे चार्ट स्ट्रीट लाइट के नीचे ही सबसे अच्छे बनते हैं मच्छर बहुत काटते हैं लेकिन वहां पे आप 26 चरणों में देखेंगे नंबर वन नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स तक मैंने पूरी कहानी कैप्चर की यह इस मॉड्यूल में मैं कवर करने वाला हूं जब आप भारत के संविधान का रिवीजन करेंगे कि हिस्टोरिकल माइल क्या थे तो तब आप सबसे पहले बोलना संदीप सर जिंदाबाद और उसके बाद ये छब्बीस चरण रिवाइज कर लेना दो मिनट में ये 26 स्टेप है जिसमें सब कुछ हुआ था आ गई बात समझ में यही तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको पूरा तो यहां एक एक चरण पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि यही हम इसी ऑर्डर में ही पढ़ने वाले हैं इस मॉड्यूल में तो इस मॉड्यूल में जो सारे लेक्चर मैंने आपको शुरू में बताए थे बारह लेक्चर उसमें हम यही छब्बीस चरण बहुत अच्छे से बारीकी से जाके देखेंगे आज के लेक्चर के एंड में मैं फिर से ये रिप्रोड्यूस एक बार कर दूंगा मजा आया इस पूरे के पूरे आपको चार्ट में जिसमें क्रोनोलॉजी मैंने बहुत अच्छे से बताई है आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए भारत में अंग्रेज शासन सत्रह की पलाशी की लड़ाई में स्थापित हो गया जब बंगाल रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में आ गया रॉबर्ट क्लाइव ने क्लर्क के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की थी लेकिन फिर वो सैनिक बन गया और उसके बाद वो सेना लेकर बंगाल पे चढ़ाई करने पहुंच गया सिराजुद्दौला मीर जाफर की गद्दारी की वजह से मारा गया और वो काफी यंग भी था अनुभवहीन भी था रिश्वतखोरी करके रॉबर्ट क्लाइव ने किसी तरह से जीत ली रॉबर्ट क्लाइव जब पूरा दक्षिण से मद्रास से होते हुए बंगाल की तरफ जा रहा था तो उसने बाद में जो मेमोरिज में, में बताया हिस्टोरियंस ने नोट भी किया उसने एक दो बातें बड़ी मजेदार की थी कि मैं कई गांवों से जब गुजर रहा था तो वहां इतनी आबादी थी कि मैं ये सोच रहा था कि अगर ये हर आदमी एक बड़ा पत्थर उठा के हमें मारे तो हमें तो यहीं से भागना पड़ेगा ये इतने लोग हैं लेकिन किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था हमसे लड़ने में गांवों की आबादियां अपनी जिंदगी में लगी हुई थी उन्हें कोई मतलब ही नहीं था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये एक गहरी बात है भारत की बहुसंख्य आबादी को मालिक कौन है उससे फर्क ही नहीं पड़ता था मालिक आ रहे जा रहे क्योंकि उनका जीवन जो था वो एक सेट पैटर्न पे चलता रहता था दिस इज एक्चुअली अ वेरी सैड कमेंट इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ग्रीड रिचेस करप्शन एंड नीड फॉर कंट्रोल ओवर ए अब देखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा और आपको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेवनटीन पढ़ाऊंगा सवाल ये आपको पूछना है कि सर ये एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको अप्रोच समझ में आ रही है मेरी नॉर्मली लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों आज हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ेंगे। पढ़ाएंगे मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी पहले वो पढ़ लें फिर आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी बच्चों दोस्तों प्रॉब्लम की शुरुआत ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों मालिकों और पार्लियामेंट के बीच लड़ाई बहुत कॉमन थी अंग्रेज राजनीतिज्ञ बहुत एंबिशियस हो गए थे और अंग्रेज व्यापारी भयंकर लालची की लूट लो बस यहां से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है आपको बात समझ में आ रही है ना कि पूरा जो जड़ में था समस्या वो कहां से थी जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने सत्रह का कमाल करके दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ऐसे हार जाएगा अब अचानक से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में एक कंपनी के हाथ में पूरा प्रोविंस आ गया और ऐसा पैसा कि जो अंग्रेजों ने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था अचानक से इस कंपनी से जुड़े लोग रातो रात धनवान हो गए ब्रिटेन में बैठे पॉलिटिशियंस एनवी और ग्रीड का शिकार हो गए कि यह सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों इस तरह से लूट को एंजॉय करेगी तो उन्होंने कंपनी की मोनोपोली को खत्म करने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी कि भाई भारत में बंगाल में कंपनी को मोनोपोली देनी नहीं है और ये क्या तरीका ऐसे थोड़ी होता है कितना शोषण लोगों का कर रहे है? इस तरह की बातें क्योंकि उनको दिख रहा था कि ये लोग जब ब्रिटेन वापस आते थे तो ट्रंक भर भर के सोना साथ में ला रहे थे नए नए बड़े बड़े महल बन रहे थे नौकर चाकर हो गए थे तो बाकी लोग जल भुन के खाक हो रहे थे अब ब्रिटेन के बहुत सारे लोकल नेता डर गए थे कि ये जो बहुत अमीर बीईआईसी के ऑफिशल्स हैं ये पूरे ब्रिटेन की मोरालिटी को ही खत्म कर देंगे और ये कंपनी वाले क्या कर रहे थे कि ब्रिटेन की जो लोकसभा है हाउस ऑफ कॉमन्स वहां की राज्यसभा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां की सीटें खरीदना शुरू कर चुके थे आपको बात समझ में आई तो ब्रिटेन के पॉलिटिशियंस को समझ में आया कि इतना पैसा इनके पास आ गया कि ये तो खरीद रहे हैं आप सबको इलेक्टोरल बॉन्ड जिंदाबाद ये सत्रहवीं सदी के इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे तो वो इस तरह से खरीदना शुरू कर चुके थे एडम स्मिथ जिसको फाउंडर ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म कहा जाता है उसने अपनी वेल्थ ऑफ नेशंस में कहा था कि ये जो कंपनियां बन गई हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियां जैसी ये जिन देशों पे शासन कर रहे हैं वहां लूट के उसको खोखला कर रहे हैं और जिन देशों से आए हैं उन देशों की मोरालिटी को भी तबाह कर रहे हैं ये एडम स्मिथ ने कहा अब एडम स्मिथ का वजन तो बहुत था तो उसकी कही बात का वजन बहुत था ईस्ट इंडिया कंपनी को किंग जॉर्ज थर्ड पेट्रोनाइज करते थे और वो अपने खास पट्टों को पार्लियामेंट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोटेक्ट करने की बात करते थे मतलब ये सारा ऐसी फील्डिंग जमी हुई थी राजनीति की तो इतना आसान नहीं था कंपनी के लिए भी लेकिन पैसा है तो हर चीज आसानी हो जाता फाइनली कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकला अब ब्रिटेन में पार्लियामेंट ने तय किया कि अब हम एक समझौता कर लेते हैं कैसा समझौता कर रहे हैं हम कंपनी के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट से बने कानूनों के तहत कंट्रोल करेंगे लेकिन व्यापार करने की पूरी छूट कंपनी को होगी कंपनी व्यापार करे वो जैसा कर रहे हैं मतलब विद इन ब्रैकेट लूट लो नोच लो हिंदुस्तानियों को और यहां से भारत की दौलत पूरी फावड़े से लूटना शुरू हुई जो बाद में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नरो की नजर में आई और उन्होंने पूरी थ्योरी उस पर छापी अंग्रेज भी बिचारे नजरे झुका के बैठ गए उनके सामने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट ने बोला कि लूटने का काम तो तुम जारी रख सकते हो मतलब कीप ट्रेडिंग लेकिन तुम्हारा जो प्रशासन होगा वो हम कानून बनाएंगे उस हिसाब से होगा आई बात समझ में मतलब पार्लियामेंट का कंट्रोल हो जाएगा हा व्यापार तुम करो कंपनी ने बोला होने दो अरे भाई तब ब्रिटेन से इंडिया आने में तीन चार पांच महीने पानी के जहाज से लगते थे आधे लोग तो उसमें बीमार हो जाते थे दस बीस परसेंट मर जाते थे तब इंटरनेट मोबाइल फोन व्हाट्सएप सेटेलाइट टीवी और इलॉन मस्क का जो है पूरा का पूरा स्टार लिंक तो था नहीं आपको तीन चार महीने जहाज में लगते थे एक तरफ कंपनी ने बोला करो क्योंकि स्थानीय रूप पे जो अधिकारी थे वो इतने चोर हो गए थे बीआईसी के कि वो खुद की भी कमाई अलग से कर रहे थे खुद के धंधे कर 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 रहे थे और कंपनी कंपनी जो रही रही थी वो रही थी थी वो ही कई बार ये हो गई सरकार ने उसको बचाया और अधिकारी कभी बैंक नहीं हुए वो लूट लेते थे सब कुछ ये कहानी है तो बड़ी दर्दनाक कहानी है ये अब आता है पहला कानून अब आपको कहानी समझ में आएगी नहीं मेरे को तो आप ये बताओ अब आप देखोगे कैसे जादुई तरीके से भारत की संसद का निर्माण हो जाएगा कुछ सालों में ये जो ढांचे बनने जा रहे हैं ना दिस इज बेसिकली वॉट लेट टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फाइनली तो आप अब यहां से दिमाग में सोचना शुरू करना कि इसमें से पार्लियामेंट कैसे इवॉल्व होगी वो आपको कल के लेक्चर तक परसों के लेक्चर तक अगले दो तीन लेक्चर तक क्लियर हो जाएगा अब हम शुरू करते हैं वो पहला कानून जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले में बनाया कि प्रशासन तो हमारे हिसाब से होगा धंधा तुम तुम्हारे हिसाब से करोगे आपको कॉम्प्रोमाइज फार्मूला समझ में आ गया यस और नो लेक्चर में मजा आ रहा है कि नहीं कंफर्म करो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं आप भी जरा सेशन को अच्छे से स्प्रेड करो यार अगर आपको मजा आ रहा है तो और यूट्यूब पे जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं हमारे पोर्टल के बाहर जो अभी तक जुड़े नहीं है कोर्स से आपके लिए बहुत गुड न्यूज है मेरे पास और वो गुड न्यूज ये है कि ये लेक्चर तो मैंने फुल रिलीज किया है आपके लिए ऐसा मैं बीच बीच में कुछ कुछ लेक्चर्स फुल रिलीज आपके लिए करूंगा हो सकता है सात आठ दस लेक्चर रिलीज कर दूं डेढ़ सौ में से उसके अलावा भी YouTube पर पूरे 150 फिफ्टी जो मैं यहां पोर्टल में दो ढाई घंटे पढ़ाऊंगा आपके लिए उसकी प्यारी प्यारी छोटी छोटी समरीज लगातार डेढ़ सौ लेक्चर में प्रेजेंट करूंगा ताकि आप भी बहुत कुछ सीख सकें और हो सके मोटिवेट हो जाएं तो कोर्स में भी ज्वाइन कर लें चलिए अब आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 विनियम अधिनियम सत्रह पूरा का पूरा बंगाल याद रखना तब उस बंगाल में आज का बांग्लादेश भी था बेटा बहुत बड़ा बंगाल था आबादी बहुत थी और पैसा ही पैसा वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया 1774 से पिचासी 11 साल ये गवर्नर जनरल बंगाल का रहा संसदीय नियंत्रण कंपनी पर पहली बार यहां से शुरू हुआ इनमें से किसी भी चीज पर एमसीक्यू बन सकता है कंपनी के निदेशकों को कंपनी के सारे कागजात संसद में जमा कराने पड़ते थे मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया अंग्रेजों की तीन बड़ी प्रेसिडेंसी तो तीन सेनाएं थी बंगाल सेना मद्रास सेना बंबई सेना अठारह के संघर्ष में केवल बंगाल की सेना में विद्रोह हुआ था जो मंगल पांडे से शुरू हुआ था मद्रास की सेना ने विद्रोह नहीं किया बंबई की सेना ने विद्रोह नहीं किया मेरा आपसे बड़ा मासूम सवाल है ऐसा कैसे इन द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया द सिपॉय म्यूटिनी एज द ब्रिटिश कॉल फिफ्टी सेवन वाई वॉज इट दर्मीज ऑफ द मेड्रास प्रेसिडेंसी एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी डिड नॉट रिवोल्ट बट दी बेंगोल प्रेसिडेंसीड वॉट कुड बीजन इट्स रीजन सोच के और इसका जवाब नहीं कुछ रिसर्च आप भी करो कुछ आप भी ढूंढो हम तो आपको इंडिपेंडेंस मॉड्यूल के पहले लेक्चर में अठारह सौ तो सत्तावन की रिवोल्ट पढ़ा देंगे वहां इसका जवाब भी दे देंगे लेकिन कई बार अनुतरित प्रश्न जो होते हैं वो एक माइंड की टिलिंग का काम करते हैं इसलिए थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड से ही पढ़ाई करना है मेरे साथ ठीक है बंगाल का जो गवर्नर था अब उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल और बंगाल इनका केंद्र बिंदु बन गया वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल भारत का था बंगाल का था सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुआ तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी शुरुआत हो चुकी है गुरु काउंसिल ऑफ फोर की स्थापना की गई यह सब पार्लियामेंट से हुआ है ब्रिटेन की चार काउंसलर्स थे जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चुनता था और एक गवर्नर जनरल था तो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ऑफ फोर गवर्नर जनरल का कास्टिंग वोट होता था डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ फोर वर बाइंडिंग ऑन द गवर्नर जनरल आ गई समझ में तो ये जो चार की परिषद थी उसके सारे निर्णय गवर्नर जनरल को मानने पड़ते थे वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना लंबे समय तक रहा और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ब्रिटिश इंडिया का लॉर्ड हेस्टिंग्स बाद में ब्रिटिश इंडिया का 1813 में गवर्नर जनरल बना आ गया समझ में यह है पूरी कहानी आई होप दिस इज क्लियर तो सत्रह का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो ये था इससे जुड़े सवाल परीक्षा में आ सकते हैं अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर क्या ये हमको सब याद रखना है इसका बहुत सीधा जवाब है जी हाँ आपको ये सब याद रखना है लेकिन अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं चीजों को समझते हुए डॉट्स को कनेक्ट करते हुए बड़ी पिक्चर को देखते हुए तो चीजें याद रखना इतना कठिन नहीं होता है बिलीव मी ठीक है ना सत्रह में जब गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल समाप्त तो होता है तब यह था ब्रिटिश इंडिया बहुत ध्यान से देखना बेटा हेस्टिंग्स सत्रह से पिचासी तक रहा और भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप इस आदमी पर लगे और ये आप देख रहे हैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट में वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चल रहा है ये जेल जा सकता था मर भी सकता था लेकिन कलकत्ता में भ्रष्टाचार इसने किया वो आरोपों से ये साफ बच के निकल गया ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा बंगाल आ चुका है ये पूरा जो है मराठों का क्षेत्र था जिनको महारटा स्टेट भी कहा जाता था अगर मराठे चाहते अंग्रेजों को कुचल के रख सकते थे मराठों ने फॉर रीजन बेस्ट नोन टू देम ये पंगा नहीं लिया एनी anyway, आप बंगाल देख रहे हैं आप बॉम्बे देख रहे हैं आप सरकार्स देख रहे हैं आप मद्रास देख रहे हैं सिलोन श्रीलंका का त्रिंकोमली देख रहे हैं इन क्षेत्रों में आपको और ये वाला क्षेत्र ये वाला नहीं ऊपर वाला ठीक है तो इन क्षेत्रों में आप ये पाएंगे प्यारे दोस्तों कि इनका धीरे धीरे नियंत्रण बन चुका था यहां पर आपको दूसरे स्टेट्स भी दिख रहे हैं ये राजपूताना स्टेट्स हैं ये अवध है जो बैटल ऑफ बक्सर में कोलैप्स हो जाएगा और नीचे डोमिनियंस ऑफ हैदर अली आपको दिखेगा हैदराबाद के निजाम डोमिनियंस दिखेंगे इत्यादि 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 सत्रह का भारत वॉरन हेस्टिंग पर भारत में भयानक भ्रष्टाचार किया और लोगों पर अत्याचार किए ये आरोप ग्रेट ब्रिटेन की संसद में इंपीचमेंट में सिद्ध नहीं हो पाए हेस्टिंग्स ये कहता था कि हम कोलोनाइजर्स हैं हमारी एब्सोल्यूट पावर है हमें सब कुछ कॉन्क्वेस्ट करना है आपको बात समझ में आ गई लेकिन ब्रिटेन की संसद में कुछ दूसरे लोग थे जो ये बोलते थे कि अगर ब्रिटेन इन जगहों पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कंट्रोल करके बैठी है तो उसकी सोवरेंटी शुड बी ऑन द रिक्निशन ऑफ राइट ऑफ द कोलोनाइज जिन लोगों को आपने कोलोनाइज किया है उनके भी अधिकार होने चाहिए हेस्टिंग्स 1796 में साफ बच के निकल गया तो आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन में भी मानव अधिकारों की मांग हुई थी भारतीयों के लिए जो इनके कंट्रोल में क्योंकि खबर पहुंच चुकी थी कि बुरी तरह से लूटा जा रहा है एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत में अंग्रेज शासन का जिस पर बहुत कम बात होती है और वो हिस्सा है फूड मिसमैनेजमेंट का पीडीएस सिस्टम तो बहुत बाद में आया सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय और आज तो भारत का पीडीएस सिस्टम इतना मजबूत हो गया सत्तर साल में कि कोविड के दौरान हम करोड़ों लोगों को भोजन दे पाए और फिर प्रधानमंत्री गरीब कल, कल्याण अन्य योजना में बहुत सारा फ्री भोजन भी लंबे समय तक दे पाए तब तो ऐसा था नहीं तो भारत की अपनी एक नेचुरल पूरी फूड सिस्टम एग्रीकल्चर सिस्टम चलती थी जो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था और ऐसा कई बार हुआ कि वो कोलैप्स हो जाता था और लिटरली लाखों लोग भूख से मर जाते थे द ग्रेट और फिर अंग्रेजों को समझ में आया कि अरे ये तो हमारी गलती से हुआ लेकिन ऐसी सारी खबरों को दबा दिया जाता था और ऐसी खबरें बाहर नहीं आती थी इतिहास में कई जगह ये फुटनोट्स बन के रह गई हैं जिसमें लाखों लोग भूख से मर गए जबकि वैसा नहीं होना चाहिए था कभी कभी रेनफॉल की वजह से होता था अकाल पड़ गया सूखा पड़ गया लेकिन कई बार वो अंग्रेजों की गलती से होता था एक बड़े देश को चलाने का अनुभव उनको बिल्कुल भी नहीं था उस समय पहला हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्लियर हो गया ये 11 साल चलते रहा उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट को ऐसा लगा कि यार इतिहास में मुझे भी अपनी छाप छोड़नी है इतिहास पे छाप छोड़ने की जो इच्छा होती है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों का सिलेबस बहुत बढ़ा के जाती है यार भैया तो इसलिए जितने भी बड़े बड़े सिलेबस तुमको पढ़ने पड़ रहे हैं ये सब उन लोगों की वजह से जिनको इतिहास पे छाप छोड़ने की बहुत भयंकर खुजाल थी तो ये वो तो अपनी गुजाल मिटा गए इतिहास पे छाप छोड़ने की तुम्हारे लिए नए नए चैप्टर ऐड करके मजाक कर रहा हूं बीच बीच में हंसी मजाक होते रहना चाहिए क्या करें इसको मजाक ही बोल सकते हैं प्यारे दोस्तों पिट्स इंडिया अधिनियम कौन लाया विलियम पिट ये कौन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था इसका दूसरा नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट विलियम पिट ने ये कहा कि यार ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें बहुत सारी कमियां छूट गई तो मैं उन सारी कमियों को ठीक कर दूंगा अमर हो जाऊंगा नहीं मतलब ऐसा उसने बोला नहीं विलियम पिट के नए कानून ने इंडिया एक्ट 1784 ने ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया और यह पहली बार बना और यह ब्रिटेन में बनेगा ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के हर डिसीजन पर कंट्रोल किया जा सके पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को कमर्शियल और पॉलिटिकल में बांट के अलग अलग कर दिया गया जितने भी व्यापार धंधे के डिसीजन हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल कर लेगा कंपनी का जितने भी पॉलिटिकल डिसीजन हैं वो केवल केवल ब्रिटेन की संसद करेगी मतलब अब ब्रिटेन की संसद ने अपना पांव सीधे सीधे घुसा दिया है और यह इसलिए हो रहा था क्योंकि ब्रिटेन में इंटरनल कंपटीशन पॉलिटिशियंस में बहुत हो गई क्योंकि यहां से पैसा लूट के लाने वाले इतने ताकतवर हो गए थे वो सबको खरीदते जा रहे थे तो बाकी के लोग बहुत घबरा गए थे कि अगर अभी हमने स्ट्राइक करके ताकत अलग नहीं की तो कुछ बचेगा ही नहीं ये लोग पैसे से सबको खरीद के खत्म कर देंगे संसद को लिटरली वैसा हो भी जाता पैसा इतना ज्यादा आ रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो स्थापित हुआ वो सिविल मिलिट्री रेवेन्यू अफेयर सब पर कंट्रोल रखेगा मतलब एक बिल्कुल सुपर बॉडी का निर्माण हो गया तो वो सारे के सारे नागरिक मामले भी देखेगा दादा सैन्य मामले भी देखेगा राजस्व मामले भी देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब उस पर छह लोग बिठा दिए चांसलर ऑफ एक्सचेकर मतलब आरबीआई का गवर्नर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब फॉरेन मिनिस्टर प्रीवी काउंसिल का चार आदमी ये राजा के लोग थे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे ब्रिटेन की सेंट्रल बैंक का एक्सचेकर बैठेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठेगा गवर्नर के अलावा मतलब चांसलर ऑफ एक्सचेकर आप मोटे तौर पे वैसे ही मान लो थोड़ा सा और फर्क है उसको भी छोड़ते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और राजा की प्रीवी काउंसिल के चार लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसका अध्यक्ष हो जाएगा और वो ईआईसी का कोई भी पेपर बुलवा सकता है गवर्नर जनरल की काउंसिल चार से घटा के तीन कर दी ऑर्ड नंबर में डिसीजन लेना आसान होता है सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे जजमेंट देता है हमेशा ऑड नंबर ऑफ जजेस की बेंच बनाई जाती है ताकि उसमें विभेद हो तो डिसीजन बिल्कुल क्लियर आ जाए हालांकि बड़े मामलों पर कभी नहीं हुआ राइट टू प्रीवसी में नाइन जीरो था ऐतिहासिक और सही समय पर आ गया कौन थे तब के चीफ जस्टिस बताएंगे अभी तक का सब क्लियर हो रहा है भारत में गवर्नर जनरल को बोला भाई तेरी काउंसिल हो जाएगी तीन की कमांडर इन चीफ ऑफ द किंग्स आर्मी उन तीन में से एक हो गया गवर्नर जनरल के साथ में काउंसिल में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के अंडर बिठा दिया बहुत भयंकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये गोरी चमड़ी वाले ऐसा दूसरे गोरी चमड़ी वालों को पता चल गया तो उन्होंने कहा जितने भी ऑफिसर्स हैं तुमने जितनी प्रॉपर्टीज बनाई है उसका पूरा दस्तावेजीकरण करो बताओ क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये आज भारत सरकार भी सबसे करवाती है वेबसाइट पे प्रॉपर्टी के डिटेल्स आते हैं सबके एटलीस्ट जो देते हैं उनके तो आ ही जाते हैं जो महान है उनके नहीं आते हैं आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं प्रॉब्लम यह था कि पावर्स को सही ढंग से डिफाइन नहीं कर पाए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपस में बहुत ज्यादा उलझ गए तो पिट्स इंडिया एक्ट सही नहीं था इसमें बहुत सारी कमजोरियां थी 1784 आ गया समझ में ब्रिटेन के जो अलग अलग प्रधानमंत्री रहे हैं वो आपके सामने हैं विलियम पिट ये रहा और इस प्रकार से आप ये सारे प्रधानमंत्रियों के नाम देख सकते हैं ये याद करना जरूरी नहीं है एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा सर एग्जाम में नहीं पूछेंगे तो फिर आपने क्यों दे दिया सर क्या फायदा सर ऐसी चीज देके जो एग्जाम में नहीं आएगी अगर आपके मन में ये पॉइंट अभी आया है तो यार गुरु गड़बड़ कर रहे हो नॉलेज लेते समय कभी भी अपने दिमाग पर यह बाउंड्री मत ता अरे यार ये एग्जाम में नहीं आएगा तो फिर ऐसा कभी मत करना लेट योर माइंड एक्सप्लोर क्योंकि जो पैटर्न बनाना है ना पूरा वो करते समय एग्जाम में क्या आएगा और क्या नहीं वो सोच के नहीं किया जा सकता है और क्या पता एग्जाम में क्या आ जाए है कि नहीं आप देख रहे हैं 1795 का भारत आपके सामने है देख लो ध्यान से ये रहा इंडिया ऑफ 1795। प्रकार धीरे 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 ब्रिटिशर्स अपने आप को फैलाना शुरू कर तब तक मराठा कॉन्फेडरेसी अपने चरम पर आ गई थी हालांकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में उनकी बहुत बुरी हार हुई थी 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली अफगान दुर्रानी एंपायर के सामने बहुत गलतियां भी हुई थी इसलिए वो हार गए थे लेकिन दुर्रानी को भी भागना पड़ा क्योंकि पर्शिया से उसके ऊपर हमला हो रहा था तो वो भी कोई यहाँ शासन बनाने तो आया नहीं था मराठों की ताकत कम हुई लेकिन दस साल में वो फिर से ग्रो भी हो गए थे तब पेशवा चलाते थे ओरिजिनल फैमिली तो हट चुकी थी सीन से 1795-1823-1837 तक अंग्रेज कैसे धीरे धीरे फैलते चले गए ब्रिटिश टेरिटरीज देखिए अब यहां आपको एक कॉन्सेप्ट बताया जाना बहुत जरूरी है यह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है इसलिए जरा सा इंट्रोड्यूस करके छोड़ देता हूं देखिए भारत में अंग्रेजों के समय दो तरह की मेन टेरिटरीज थी एक जो अंग्रेजों की खुद की थी डायरेक्ट कंट्रोल उनका कानून उनका आईपीसी उनके कोर्ट उनके लोग उनकी पुलिस और दूसरे जो राजे रजवाड़े थे द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया वहां अंग्रेजों का कानून नहीं चलता था वहां के कोर्ट हर राजा के अलग थे कानून अलग थे अंग्रेजों का कानून नहीं चलता था सब नागरिक उस राजा के नागरिक थे इंडिया के नागरिक नहीं थे आज हम जिस इंडिया को देखते हैं हम एक बहुत अलग इंडिया देख रहे हैं अंग्रेजों के समय उनकी प्रेसिडेंसीज अलग थी उनकी टेरिटरीज और प्रिंसली स्टेट्स अलग थे प्रिंसली स्टेट्स के सब्जेक्ट अपने अपने राजाओं के सब्जेक्ट थे और हर जगह का कानून अलग हुआ करता था यह थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी नेता थे उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिलती थी प्रिंसली स्टेट्स में जाने की और प्रिंसली स्टेट्स के लोग ब्रिटिश सब्जेक्ट्स नहीं थे डायरेक्टली तो वो एक अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है हम लेंगे आगे उसको कॉन्सेप्ट बिल्डर आ गया बेटा एक और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बिल्डर है आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं Which of these would show that the police and politicians in India have actually accepted the rule of law and constitutional morality? एक दो तीन में से क्या ये प्रदर्शित करेगा कि भारत की पुलिस ने और राजनेताओं ने कानून का राज और संवैधानिक नैतिकता को स्वीकार कर लिया है एक दो तीन में से ये क्या साबित करने के काबिल है कमेंट थ्रेड में उसका उत्तर दीजिए है ना नीचे डिस्कस की कमेंट थ्रेड है वो जो YouTube पर देख रहे हैं पूरा लेक्चर रिलीज कर रहा हूं पहला वाला आप YouTube पे उत्तर दे सकते हैं कि एबीसीडी में से इसका क्या आंसर होना चाहिए बहुत प्यारा है ये रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक नैतिकता संविधान के मूल्यों को जीने की क्षमता संविधान के मूल्यों को मानने की इच्छा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं और वो एक कॉन्सेप्ट है वो सोशल मोरालिटी से इतर है सोशल मोरालिटी से अलग चीज होती है प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर है वन टू एंड थ्री अगर ये तीनों होंगे तो हम ये मान लेंगे कि भारत की पुलिस और भारत के नेताओं ने रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को स्वीकार कर लिया है अब आप इस पे शांति से सोचिए कि ऐसा हमने क्यों कहा ये आपके थिंकिंग के लिए है इससे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी ऐसे हम दसों क्वेश्चन आपको कराएंगे कोर्स में ये प्रेलिम्स के क्वेश्चन नहीं है वो तो आगे आने वाले हैं अब आगे आ जाओ पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आता है सेवनटीन का चार्टर अधिनियम अब धीरे धीरे ग्रेट ब्रिटेन की संसद गहराई में भारत में घुसते चली जा रही है संसद ने यह कानून इसलिए बनाया कि उसने पिछला चार्टर जो कंपनी को दिया था उसको नवीकरण कर दिया और ब्रिटिश टेरिटरीज पे अपने रूल को आगे बढ़ाया मतलब बीईआईसी के रूल को आगे बढ़ाया ओवर द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया EIC की ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया कि यहां हम कोई दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं भेजेंगे नहीं तो वहां से और पांच छह कंपनियां आ सकती थी ना इस कानून ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि कंपनी ने अब कोई भी नई जमीन प्राप्त की मतलब हथिया ली गुंडा करके लड़ाई झगड़ा पीट घूसखोरी करके वो सारी नई टेरिटरी अब पूरी तरह से राजा के बिहाफ पर ही होगी इट विल बी ऑन द बिहाफ ऑफ द क्राउन क्राउन यानी वहां की राजशाही इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज अब ब्रिटिश सरकार की हो गई चार्टर एक्ट 1793 रॉयल अप्रूवल वॉज मैंडेटेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल द वेरियस गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द किंग्स आर्मी ऑफ इंडिया यह सब ब्रिटेन के राजा की अनुमति से होगा गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल को ओवर रूल कर सकता था दूसरे गवर्नर को भी ओवर रूल कर सकता था दो और मद्रास का और बंबई का कंपनी इंडिविजुअल्स को व्यापार का लाइसेंस दे सकती थी प्रिविलेज ट्रेड कंट्री ट्रेड कंपनी के ही बहुत से अधिकारियों को ऐसे लाइसेंस मिले उन्होंने अपने धंधे चालू कर लिए इसी में से बहुत बड़ा धंधा चालू हुआ जिसको लेकर शी जिनपिंग आज पश्चिम को गालियां देते और बोलते मिसाइलें मार दूंगा अफीम का धंधा कलकत्ता से भारत भर से अफीम जहाजों में चीन में ले जाई जाती थी और पूरे चीन में बेची जाती थी खूब पैसा कमाया चीन के राजा को पता चला कि मेरे सारे लोग नशेड़ी गंजेड़ी हो गए अफीम खा खा के और पागल होते जा रहे हैं हमारे लोग उसने पूरा बैन लगा दिया तो ये व्यापारी गोरी चमड़ी वाले ब्रिटेन की संसद में रोते रोते गए मारो मम्मी तो ब्रिटेन की संसद में लारो मेला बच्चा चलो तो तो अफीम नहीं भेजने डरा मैंने भी भेज रहा हूं नेवी लेके गए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई रे ओ राजा कि तू हमको अफीम नहीं जबरदस्ती पोर्ट्स खुलवाए और युद्ध हुए वॉर्स और चीन का शाही पतन वहां से शुरू हुआ वो जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन रही लंबे समय तक बहुत सारी घटनाएं हुई उसका बदला लूंगा ये शी जिनपिंग आज बोलता है अब क्या करें भाई साहब इतिहास जो है वो ऐसन ही है बबुआ की करा तो अब अफीम का धंधा चीन के लिए शुरू हो गया भारत से <laughs> इसके बाद प्यारे दोस्तों जॉन शोर गवर्नर जनरल बना 1793 से 1797 में और ईआईसी जो है उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल लंदन का पूरा खर्चा उठाना पड़ता था और सरकार को पांच लाख का मुआवजा हर साल भरना पड़ता था तो अब इतना पैसा तो उसको भारत से कमाना ही कमाना है ये उसको मालूम था तो ए वो जबरदस्ती कहीं से भी लाती थी पांच लाख बड़ी अमाउंट थी याद रखिएगा पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस से निकली हुई चीज है लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं आप कंफ्यूज नहीं होंगे हम आपको बहुत अच्छे से बता देंगे कि ये ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम स्कॉटलैंड वेल्स इंग्लैंड नदन आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये नाटक है क्या और ये वेस्टमिंस्टर होता क्या है अगले पांच मिनट शांति से समझ लो और पैरेलल में ताली और बोलो संदीप सर जिंदाबाद पैक कोर्स जिंदाबाद जिंदाबाद प्यारे साथियों ब्रिटेन की पार्लियामेंट सत्रह की मई महीने में बनी जब इंग्लैंड की पार्लियामेंट और स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट ने एक्ट्स ऑफ यूनियन पर मुहर लगा दी तो मई 1707 में यह हुआ आपको बात समझ में आई ये रहा ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना किंगडम ऑफ इंग्लैंड और किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड के मर्जर से लेकिन किंगडम ऑफ इंग्लैंड कैसा बना किंगडम ऑफ इंग्लैंड और किंगडम ऑफ वेल्स से और यह जब मिला स्कॉटलैंड से तो किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया और यह जब आगे किंगडम ऑफ आयरलैंड के साथ मिला तो यह यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड बन गया आपको बात समझ में आई और उसमें से बाद में आयरलैंड अलग हो गया जिसको आज हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं और उसके ऊपर जो है वो नदन आयरलैंड है आ गई बात समझ में तो आज का जो यूनाइटेड किंगडम है वो ये है उसको समझने के लिए आप इसको भी देख सकते हैं ये है स्कॉटलैंड इसकी अपनी भाषा अपनी तहजीब अपनी संस्कृति है ये है वेल्स ये है इंग्लैंड लंडन जो है वो इंग्लैंड में है तो स्कॉटलैंड इंग्लैंड वेल्स ये आपका पूरा मेनलैंड हो गया प्लस नदन आयरलैंड अब आप पूछेंगे सर ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या आएगा तो बेटा ये आपको यहां पे दिख जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड इंग्लैंड वेल्स आ गया यस और नो बोलिए समझ में आया कि नहीं भैया फिर आप पूछेंगे सर यूनाइटेड किंगडम में क्या आया ग्रेट ब्रिटेन प्लस नदन आयलैंड फिर आप पूछेंगे सर ब्रिटिश आइल्स क्या होती हैं यूनाइटेड किंगडम प्लस रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड खत्म हो गई सारी बात बस अब कॉमेंट थ्रेड में एक बार ये सारी इक्वेशन लिख दो कौन सी इक्वेशन लिखनी है बेटा आपको इंग्लैंड प्लस वेल्स यूनाइटेड किंगडम इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन प्लस नदन आयरलैंड एंड ब्रिटिश आइल्स इज इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम प्लस रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है और अगर आपसे कोई बहुत ही होशियार एग्जामिनर तारीख पूछ ले क्योंकि आप जानते ही हैं भारत में अगर मिला है तो तारीख पे तारीख तारीख पे ता तारीख पे तारीख तारीख पे ता वो सनी देओल की आत्मा आ गई थी एकदम से तो तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख वो तारीखें है यहां हैं सारी ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन सैकड़ों साल पुराना है और 1215 में मैग्ना कार्टा लिबरेटेटम बना था बेटा भूलना मत ये सारी चीजें भारत आ गई फाइनली ले देखे पहला पॉइंट क्लियर हो गया और ऐसा करके इसका एवोल्यूशन शुरू हुआ ये जो यूनियन हुआ ना वो जिस जगह संसद बनी लंदन में पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर ये है वो आ गई समझ में तो यहां से जो व्यवस्था आई जो भारत में है आज उसको हम वेस्टमिंस्टर याद रखना ये वेस्ट मिनिस्टर नहीं ये वेस्टमिंस्टर एक शब्द है स्पेलिंग अच्छे तो देख लो तो भारत की आज की पार्लियामेंट्री व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर सिस्टम कहते हैं यह है हमारी व्यवस्था अरे भैया हेड ऑफ स्टेट अलग है हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग है वेस्टमिंस्टर का पहला गुणधर्म बाकी के भी हैं ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं आज आपको इंट्रोड्यूस करके बता दिया क्योंकि जो क्यूरियस हैं उनको पहले से मालूम होना चाहिए क्या ये सारे बिंदु अच्छे से क्लियर हो गए और उसके बाद और रेवल्यूशन आगे हुआ वगैरह 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 आयरलैंड में बहुत हिंसा भी हुई क्योंकि वो स्वतंत्र होना चाहते थे वगैरह आज स्कॉटलैंड स्वतंत्रता की बात कर रहा है क्योंकि ब्रेग्जिट में ये लोग ईयू से स्वतंत्र हुए वगैरह तो हम आपको नदर आयरलैंड की प्रॉब्लम वगैरह आगे बताएंगे अभी तक का क्लियर हो गया वेस्टमिंस्टर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो भारत का सिस्टम है बेसिकली उसके सारे फीचर्स याद इसको पढ़ लेना यह हम आगे पढ़ेंगे अभी ये सही समय नहीं है अब समय आ गया है सही समय किस चीज का है वो भी बता दूं एक्चुअल प्रेलिम्स में जो कुछ सवाल पूछे गए हैं वो सवाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं और इनके उत्तर आप थ्रेड में हमें बताएंगे यहां से हम हमारे सवालों की सीरीज शुरू करेंगे आप यहां पर ये नंबर वन देख रहे हो नीचे ये हमारी रनिंग सीरीज है ये नंबर हर क्लास के साथ बढ़ता जाएगा और जब हम 150 नंबर पर पहुंचेंगे लगभग 700 सौ साढ़े सात सौ क्वेश्चन मैंने करा दिए होंगे ये एक्चुअल प्रेलिम्स एग्जाम्स के क्वेश्चन है आज के लेक्चर से संबंधित क्वेश्चन में यहां करा रहा हूं अब आपको अप्रोच समझ में आई आप मेरे साथ एक दो आज का लेक्चर शायद दो घंटे तक जाएगा भी जा सकता है है क्योंकि पहला लेक्चर इट्स ओके बाकी सारे दो दो घंटे के ही होते हैं मोटे तौर पे सिवाय फिर एंशंट एंड मीडिया के क्योंकि वो टॉपिक इतना बड़ा है उसमें हर लेक्चर ढाई तीन घंटे का हो ही जाता है हर लेक्चर में आपको प्रेलिम्स के वास्तविक सवाल में करवाऊंगा आपको मेन्स के क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको माइक्रो लेवल भी दूंगा डिटेल भी दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों दूंगा तो ये पूरा पैकेज है पढ़ते समय याद रखना कि तुम्हारी प्रीलिम्स की तैयारी भी हो रही है तुम्हारी मेंस की तैयारी भी हो रही है और हैंड रिटर्न नोट्स बना रहे हो आंसर राइटिंग की तैयारी भी हालांकि मेरा आंसर राइटिंग का एक सेपरेट कोर्स है उस पर मैं बाद में कभी बात करूंगा तो दिमाग को ये कन्विंस करो सात आठ दिन क्लासेस जब आप अटेंड कर लोगे पीटी पोर्टल में आपको पूरा फ्लो भी बहुत अच्छे से समझ आएगा इसलिए आपने घबराना नहीं है दो में Prelims में यह सवाल आया था अच्छे से देखो और हमें बताओ इसका उत्तर क्या होगा यह एग्जाम का वास्तविक प्रश्न है अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच वन टू दो सवाल आपसे पूछे गए आपको एबीसीडी में से जवाब देना है आप समझ रहे हैं ना तो यह करने से आप जो कुछ मेरे साथ पढ़ रहे हो उसका एग्जाम ओरिएंटेशन हो रहा है पैरेलल में में तुम्हारा और ऐसा मैं सारे लेक्चर करूंगा तो फिर कुछ बचता नहीं है और तैयारी में और ऐसे सात सौ साढ़े सात सौ लेक्चर क्वेश्चन करा दूंगा मेरा वादा है और बहुत सारे दूंगा प्रैक्टिस के लिए वास्तविक एग्जाम के दो हजार से बाईस तक के क्या लगता है बेटा एबीसीडी में से क्या आंसर होना चाहिए बताओ थ्रेड में डिस्कस की कॉमेंट्रेड है और यूट्यूब पे तो है ही क्या आज का लेक्चर मैं दे रहा हूं यूट्यूब पे सैटरडे आपसे मैं लाइव डाउट क्लियरिंग में मिलूंगा पीटी पोर्टल पर दो तो ढाई घंटे आपके सारे सवाल हम लेंगे बात करेंगे द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 99 व्हिच इज एन एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन फ्रॉम 2014 हो सकता है दो हजार तेईस में ये फिर से आ जाए इज बी इसका सही उत्तर है बी ओनली टू वन तो हो ही नहीं सकता अरे यार आज का लेक्चर अटेंड करके अगर तुम वन बोलोगे तो हमारा दिल टूट जाएगी इसका ठीक उल्टा हमने पढ़ा है हमारा संविधान इंडिविजुअल लिबर्टी को ऊपर रखता है स्टेट अथॉरिटी से यह बिल्कुल सही है यह सवाल यूपीएससी में आया है तो इसका सही उत्तर क्या होगा बी कितने लोगों ने दे दिया अरे आपने तो एग्जाम का एक्चुअल क्वेश्चन क्रैक कर दिया भाई अब याद रखना डिटेल सोल्यूशन भी आपको मिलेगा और ऐसा आपको सैकड़ों क्वेश्चन के लिए मिलेगा इनको पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है भैया हमारी रनिंग सीरीज का क्वेश्चन टू और ये रनिंग सीरीज का क्या मतलब ये साढ़े सात सौ कराना है ना मैंने ये उसका है। 2015 में एक सवाल पूछा था भारत में संविधान का कस्टोडियन कौन है कितना प्यारा सवाल है आज के भारत के कंटेक्स में तो निराला सवाल है क्या लगता है आपको ए बी सी डी में से क्या आंसर है मुझे लगता है प्रेसिडेंट है हमारे संविधान की रक्षा का काम तो यार देखो प्रेसिडेंट को ही दिया गया क्या बोलते हो मानते हो ना मान जाओ यार मान जाओ प्रेसिडेंट को दिया मैं बोल रहा हूं ना यार मान जाओ नहीं माने गुड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये एक्चुअल एग्जाम में पूछा गया ये रहा इसका डिटेल ऑनिशो हिंदी इंग्लिश सब में करा रहा हूं शिकायत का कोई मौका नहीं भैया रनिंग सीरीज का तीसरा सवाल भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि कितना मासूम सवाल है क्योंकि इस क्योंकि में ही सब कुछ छुपा हुआ है बताइए ए बी सी डी में से क्या आंसर लगता है आपको सभी लोग पार्टिसिपेट करें कॉमेंट्रेड में जवाब देने की कोशिश करें दिमाग चलाएं यूट्यूब पे भी बताएं तो क्वेश्चन थ्री का आंसर क्या होना चाहिए बताइए ए बी सी डी में से क्या लगता है द करेक्ट आंसर जिन्होंने भी दिया आपके लिए बहुत बहुत तालियां गुड मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है अब इस साल जो सवाल आया था प्रेलिम्स में राज्यसभा लोकसभा के बीच का अंतर उसको क्रैक करने की यह ट्रिक थी लोकसभा राज्यसभा जो है संविधान ने दोनों को लगभग बराबर बनाया है सिवाय एक बहुत बड़ी चीज में द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा एंड हेंस इट इज द लोकसभा विच कैन एक्चुअली चेंज द गवर्नमेंट बाय द नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत बड़ा फर्क है लोकसभा और राज्यसभा के बीच बिकॉज टू दीसभा देखें कैसी चीजें जुड़ी है दो हजार पंद्रह का सवाल दो हजार बाईस में कैसे अलग फ्लेवर में आता है आगे बात समझ में तो ऐसे हम हर साल क्योंकि ये एनालिसिस इतने सालों से कर रहे हैं तो आपको यह इंसाइट मिलेगी वार्म अप हो गया मजा आया सारे एलिमेंट समझ में आए तो आ जाओ बेटा चार्टर एक्ट ऑफ एटीन पर 1813 का चार्टर अधिनियम और उसके तुरंत बाद आपको गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसीियमें बंगाल तो जो यहां के 50 सालों से ज्यादा रहे वो आपको बता देंगे वॉर हेस्टिंग चार्ल्स कॉन जॉन शोर रिचर्ड वेलेजली लॉर्ड मिंटो फ्रांसिस हेस्टिंग्स इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ एटीन एंड फाइनली उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति और हमारे लेक्चर की भी समाप्ति आ जाएगी चिंता मत करो माय डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर सवा दो से ढाई घंटे चलेगा सब लोग जो पूरी तरह से जोश में हैं और अटेंड अच्छे से एंड तक करेंगे हाथ उठाओ ए भाई तूने हाथ नहीं उठाया। हाथ जल्दी से दिख रहा है यहां से मुझे वेब कैम ऑन है तेरा हा सो माई डियर स्टूडेंट्स चार्टर 1813 का जब आने वाला था संसद में तो कंपनी पे जांच बिठाई गई कि पता करो ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है 1808 में हाउस ऑफ कॉमंस ने पूरी कमिटी बिठाई इन्वेस्टिगेशन कमिटी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू अलाउ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स एक्सेस टू इंडिया विथ देयर शिप्स अभी तक ब्रिटेन के नागरिक भारत नहीं आ सकते थे खुल्लम खुल्ला अब वो आ सकते थे होम गवर्नमेंट हैड स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट भारत के लोग विद्रोह ना कर दे इसलिए हर जगह कॉन्क्वेस्ट कॉन्क्स कॉन्क्स मत करना ऐसा वहां की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला था लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी की भूख कभी कमी नहीं होती थी तो वो और कॉन्क्वेस्ट करते जा रहे थे और इसी से फाइनली अट्ठारह की क्रांति आने वाली थी लेकिन मैं आपको इतना बता दूं 1857 की जो क्रांति थी वो पहली क्रांति नहीं थी उसके पहले छोटी 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 बहुत सारी क्रांतियां हो चुकी थी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ वो हम सब अगले मॉड्यूल में पढ़ेंगे 1857 तो सबसे बड़ी पहली क्रांति थी लॉर्ड वेलेजली और मार्क्वी ऑफ हेस्टिंग्स ने भयंकर खुद को राजा समझते हुए एक इंपीरियल पॉलिसी भारत में लॉन्च कर दी साम्राज्यवादी नीति का पालन किया कंपनी की ताकत पंजाब नेपाल और सिंध को छोड़ के पूरे भारत में भयंकर तरीके से फैल गई अब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ने लग गई क्योंकि व्यापार में कई जगह घाटे होने लग गए और इतना टैक्स लेने के बाद भी कंपनी जो युद्ध करती थी उसमें सब खर्च हो जाता था वॉर्स आर वेरी कॉस्टली कंपनी बैंक हो गई और कंपनी ने पार्लियामेंट को बोला अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा मौला के नाम पे दे दे बाबा तू एक देगा मौला तुझे दस देगा मतलब ये उन्होंने अपने फ्लेवर के साथ वहां पे बोला लेकिन स्पिरिट यही रही होगी एक कंपनी जब डूब जाती भिखारी बन जाती तो उसके डायरेक्टर ऐसे ही बोलते हैं फिर तो उन्होंने संसद के सामने अल्लाह का वास्ता दिया कि पैसा दे दे बाबा तू एक देगा मौला तुझे दस देगा बहुत सारा एजिटेशन था कमर्शियल मोनोपोली के खिलाफ तो गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बुराई करने लग गए थे कि इन्होंने इतना किया फिर भी बैंक होकर बेल आउट मांगने चले आते हैं वगैरह वगैरह तो इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स को भी अब जो है वहां पर एंट्री मिले जब संसद ने 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया बीस साल के लिए कंपनी का चार्टर रिन्यू हो गया लेकिन यह बिल्कुल साफ बोल दिया कि कंपनी की इंडियन टेरिटरीज पे क्राउन का आधिपत्य होगा समझ में आ गया आप 20 साल तक अपनी टेरिटरी पे पोजीशन रख तो सकते हो लेकिन मोनोपोली ऑफ ट्रेड खत्म हो गई तो एमसीक्यू बन सकता है कि मोनोपोली ऑफ ट्रेड पहली बार कब खत्म हुई चार्टर एक्ट 1813 कंपनी को बोला गया कि चाइना के साथ की तुम्हारी ट्रेड मोनोपोली बीस साल और चल सकती है लेकिन भारत में ब्रिटेन के दूसरे अब व्यापारी आएंगे पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों को फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम देने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली अगली बात समझ में और इसके बाद ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई अभी तक अंग्रेज डरे हुए थे कि इससे कहीं विद्रोह नहीं हो जाए लेकिन अब उनको कॉन्फिडेंस था कि विद्रोह नहीं होगा और पहली बार ईसाई मिशनरी गतिविधियों को अलाउ किया गया लेकिन उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया था यह पहला वक्त नहीं था जब ईसाई मिशनरी भारत आए मुगलों के समय वो आ चुके थे और अपने धर्म के प्रचार प्रसार और मुगल राजा को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की बहुत कोशिशें सारी विफल हो गई थी और तब से भारतीयों को पता था कि ऐसा धर्म होता है जिस प्रकार इस्लाम पैगंबर मुहम्मद के समय से ही केरल वाले पूरे के पूरे मेलाबार कोस्ट रीजन में आ चुका था सातवीं सदी से उसी तरह ईसाई धर्म जो है वो सोलहवीं सत्रहवीं सदी में आ चुका था ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आया तो अगर एंशंट इंडिया में कभी आपसे इस प्रकार का सवाल बने तो ओरिजिनल टाइम याद रखना जो मैंने अभी बताया आपको समझ में आ गया ये सारे नाम याद रख लेना ये वो सारे गवर्नर्स जनरल यानी लुटेरे थे ऑफिशियल भारत के जिन्होंने भारत को खोखला करने में कोई कमी नहीं छोड़ी हालांकि अच्छे काम भी किए सरकार को चलाने के लिए अच्छे काम करना जरूरी भी होते हैं लेकिन इनके शासन का नेट नेट नतीजा भारत को खोखला करने का ही रहा अल्टीमेटली देवर इंपीरियल पावर्स लेट लेटर्स बी वेरी फेयर उनका काम ही था लूटना और हमें उनसे लड़के उनको हराते आना चाहिए था वो हमसे हो नहीं रहा था फाइनली फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट से ये लोग हारे तो क्या आपको ये सारे नाम और ये याद रहेंगे क्योंकि इसमें सवाल मिक्स एंड मैच का बन सकता है 2022 के प्रीलिम्स में नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हो गया जिसमें एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन भी काम नहीं करता है। वो आपको चार मैचिंग देते हैं कि इनमें से कितने सही मैच हैं अब एलिमिनेट होते नहीं है तो वन पेयर टू पेयर थ्री पेयर फोर पेयर तो हो सकता है इस तरह का सवाल बन जाए इसलिए आप ये सारे नाम देख लें इनको याद रख लें आपको बहुत फायदा होगा क्लियर वॉरेन हेस्टिंग्स चार्ल्स कॉन वॉलिस जॉन शोर रिचर्ड वेलेसले जिसका भाई था आर्थर वेलेसले लॉर्ड मिंटो फ्रांसिस हेस्टिंग्स, वॉरन हेस्टिंग अलग है फ्रांसिस हेस्टिंग अलग है ध्यान रखना इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन जब ब्रिटेन में आया ये मैं आपको मेजर इवेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा पूरा लेकिन यहां एक मिनट लेके समझा दूं कि जब ब्रिटेन में पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया जिसने ब्रिटेन की बहुसंख्य आबादी को फ्री कर दिया क्योंकि अब मशीनों से उन्हें लग गया था और प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की इतनी बढ़ गई कि लोगों की जरूरतें कम होगी तो लोगों को मजबूरी में शहर की तरफ जाना पड़ा काम ढूंढने तो वहां उस वक्त मशीनें लगनी शुरू हो गई तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मैन पावर मिल गया तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन वॉज द प्री करसर ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन जब तो हम आज क्यों पढ़ रहे हैं इसको वही बता रहा हूं और उसके तुरंत बाद चार्टर एक्ट एटीन देखेंगे जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई तो पूरा ब्रिटेन बदल गया अब ब्रिटेन कॉटन टेक्सटाइल्स और फैक्ट्री गुड्स का जिसमें कंज्यूमर गुड्स जैसी चीजें आने लगी उसका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया भारत ब्रिटेन का गुलाम धीरे धीरे बनता जा रहा था तो भारत को एक कंज्यूमर नेशन बनाने का सपना ब्रिटेन ने देखा कि अब भारत में हमारी फैक्ट्रियों का माल बेचा जाएगा यहां से जो भारत को लूटना शुरू हुआ रॉ मटेरियल सस्ते में लूट के ले जाओ जो कंपनी चला रही है वो ही राजा है तो आप समझ ही लो क्या होगा इफ अ कमर्शियल कंपनी स्टार्ट्स ओनिंग द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री यू कैन इमेजिन हाउ रैपिडली इट विल हॉलो आउट द कंट्री समझ गए ना वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है रॉ मटेरियल सस्ते में अब किसानों पर डंडा लगा के बोल रहे हैं कि तुम नहीं ली होगा जबरदस्ती लेके जाएंगे हम नहीं तो तुम जेल जाओगे तो अब ऐसा तो कोई भी कंपनी पैसा कमा सकती है तो वही उन्होंने किया वो गया जो मैन्युफैक्चर हुआ वो कंपलसरीली यहां बिकेगा किसी और देश का नहीं बिक सकता और आपके लोग तो वैसे भी तो ये होलसेल एप्रोप्रिएशन ऑफ वेल्थ चल रहा था भारत से और ऐसा सौ सालों तक चला इसीलिए उन्नीस में जब भारत की स्वतंत्रता के बाद की सरकारों के हाथ में भारत आया तो एक पूरा पिटा देश भारत उनके हाथ आया और वहां से भारत को खड़ा किया गया है लोग इस बैकग्राउंड को समझ नहीं पाते हैं उन्नीस सौ का पहला चुनाव एक लुटे पिटे गरीब भारत का चुनाव था जिसकी बहुसंख्या आबादी पूरी तरह से गरीब और अशिक्षित थी उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है विश्व के इतिहास में अमेरिका भक्का था देख के कि ये कर कैसे लिया तुम लोगों ने एनीवे anyway, वे वो आगे हम देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में अब भारत को आपको माल भी बेचना है भारत की इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया गया और फाइनली 1833 आते आते ब्रिटेन में एक रिफॉर्म्स माइंडसेट भी था एक रिफॉर्म एक्ट वहां पे पारित हुआ था 1832 में कि भाई वहां पे क्योंकि बहुत सारी एक प्रोस्पेरिटी आने के बाद इंसान की सोच कई बार मॉडर्न हो जाती है तो स्लेवरी एबॉलिश की गई थी फ्री ट्रेड आया था ब्रिटिश एम्पायर देखिए स्लेवरी सारी दुनिया का हिस्सा रही है भारत की भी अर्थशास्त्र तो खुल्लम खुल्ला स्लेवरी की बात करता है यूपीएससी दो हजार बाईस में पूछा गया कौटिल्ली के अर्थशास्त्र में स्लेवरी पे क्या बोला मतलब भारत में स्लेवरी इंग्रेंड थी हर तरफ भारत में स्लेवरी थी गुप्ता साम्राज्य गोल्डन पीरियड उसमें विष्टि थी 80 परसेंट जनता कोड़े खाती थी फ्री काम करती थी उनको बोला जाता था ये तुम टैक्स भर रहे हो फ्री काम करो कोड़े खाओ फ्री काम करो विष्टि परंपरा खिलजी एम्पायर स्लेव मार्केट कैटल मार्केट एक साथ तीन तरह के मार्केट लगाए थे सब में रेट फिक्स थे तो स्लेवरी भारत का कंटिन्यूस हिस्सा रही है समाज का कल्चर का जैसे सारी दुनिया का रही है लेकिन ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो स्लेवरी एबॉलिश कर दी गई कि ब्रिटिश एम्पायर में तो स्लेवरी नहीं होगी चोरी छुपे चलती रही और 1833 का जो एक्ट आया उसने सब कुछ बदल के रख दिया अब आपको बैकग्राउंड समझ में आया तो ऐसा क्या कर डाला एटीन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको चार्टर एक्ट भी कहते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल पहली बार भारत का गवर्नर जनरल बना मतलब अब भारत अंग्रेजों के कंट्रोल में था विलियम बेंटिंक वो पहला आदमी था काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट फोर्ट विलियम को चार फॉर्मल एडवाइजर्स दे दिए गए काउंसिल ऑफ इंडिया का इलेक्शन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का उसमें चार सदस्य थे फर्स्ट थ्री ऑलवेज प्रेजेंट एंड द फोर्थ व्हेन द वर मेड यह बारीकियां हैं याद रखनी पड़ेंगी ये जो गवर्नर जनरल है काउंसिल ऑफ फोर में वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और ब्रिटेन के राजा के अधीन हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पूरे ब्रिटिश भारत में कानून बनाने की ताकत दे दी गई बंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर की कानून बनाने की ताकतें समाप्त हो गईं। ईआईसी की कमर्शियल एक्टिविटीज खत्म चाइना की ट्रेड मोनोपोली खत्म हालांकि व्यापार कर सकते हो चाइना में कंपनी को बोला गया अब तुम केवल पॉलिटिकल काम करोगे और भारत के लोग कंपनी के सारे कर्जे चुकाएंगे लोग अल्लो लो बात कंपनी के शेयर होल्डर को मिनिमम 10.5 परसेंट पर एनएम का लाभांश गारंटीड था अपने शेयर होल्डिंग पर और यूनियन ऑफ द ट्रेडर एंड द सोवरेन अभी तक ये दोनों एक ही थे व्यापारी और जो संप्रभु था उसमें अब गैप क्रिएट किया गया उस यूनियन को हटा दिया गया पहली बार सिविल सर्विस की ओपन कंपटीशन शुरू हुई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसके बाद उस पर आपत्ति उठाई भारत में सिविल सर्विसेज का जो पूरा इतिहास है वो मैं आगे आपको गवर्नेंस इन इंडिया के मॉड्यूल में पढ़ाऊंगा लंबा कोर्स से डेढ़ सौ लेक्चर होंगे आप में से कई बच्चे बड़े उत्सुक हैं हर चीज को सीखने के लिए कि अभी आज ही बता दो आज ही बता दो तो तीन सौ घंटे का लेक्चर हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा तो उसको सही समय पर पढ़ेंगे लेक्चर में मजा आ रहा है ना एंजॉय कर रहे हो क्लास को आज की पहली क्लास है थोड़ी लंबी जाएगी अब बाकी सेशन टू थ्री फोर्थ नॉर्मली दो घंटे प्लस माइनस मिनट में हो जाता है ठीक है अरे सर आप तो दिन भर पढ़ाओ सर हम दिन भर पढ़ेंगे ये स्पिरिट जिसमें है वो आइए जरूर बनेगा एक दिन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नर जनरल की अलग अलग कर दी गई एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी लेजिस्लेटिव यानी विधायक ये जो कानून था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन चार्टर एक्ट उसकी जो धारा सितियासी थी उसने क्या कहा क्राउन इन इंडिया शुड बी बाय रीजन ओनलीजन प्लेस ऑफ डिसेंट कलर और एनी ऑफ देम बी डिस्कालीफाइड फॉर एनी प्लेस इन दी कंपनी सर्विस ये बहुत बड़ी बात थी हालांकि ये लागू नहीं हो पाई बेसिकली पहली बार ये बोला गया कि कंपनी में भारतीय मूल के हर आदमी को नौकरी मिल सकती है कोई भेदभाव नहीं होगा हालांकि उतना चालू नहीं हो पाया लेकिन एक शुरुआत तो थी इस कानून ने भारत में न्याय के कानूनों के कूटबद्धीकरण की शुरुआत की कोडिफिकेशन ऑफ लॉ यहां से शुरू हुआ संहिताकरण शुरू हुआ 1833 के पहले बहुत सारे कानून थे इंग्लिश एक्ट प्रेसिडेंसी रेगुलेशन हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ कस्टमरी लॉ अब गवर्नर जनरल को बोला कि आप लॉ कमीशन अपॉइंट कर सकते हो कोडिफाई कर सकते हो जब इंडियन लॉ कमीशन बनने शुरू हुए अगले 20-25 सालों में फाइनली इंडियन पीनल कोड और सिविल और क्रिमिनल लॉ के कोड बन के तैयार हो गए बैकग्राउंड समझ में आया आईपीसी का लेकिन ये केवल ब्रिटिश टेरिटरीज पे होते थे राजी रियासतों पे नहीं प्रिंसली स्टेट्स पे नहीं उनके तो अपने कानून चलते थे जो राजा ने बोला वो कानून वहां की प्रजा की हालत काफी खराब थी जो ब्रिटिश सब्जेक्ट थे फिर भी उनके पास कुछ कानून का दरवाजा हुआ करता था विलियम बेंटिंग पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना बहुत सारे सोशल रिफॉर्म एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए सती को इसने पूरी तरह से प्रतिबंधित किया फीमेल इन्फेंटिसाइड को कम किया ह्यूमन क्रीफाइस नरबली की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया भारत में सती प्रथा एक बड़ी खतरनाक प्रथा रही है जिसमें पत्नी को बोला जाता था कि अगर पति को स्वर्ग जाना है तो तुम्हें साथ में ही जलना पड़ेगा ऐसा करके उस पत्नी के हिस्से में आने वाली सारी प्रॉपर्टी को दूसरे लोग हड़प कर लेते थे बड़ा डॉक्यूमेंटेड है ये और इसके पहले एपिसोड्स गुप्ता साम्राज्य के समय से भारत में जो बहुत सारे विदेशी पिलग्रिम्स आते रहते थे उन्होंने अपने लेखों में लिखा हुआ है कि हमने सती देखा है सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं ऐसा नहीं था कि हर विधवा को सती करवा दिया जाता था हो सकता है कुछ अपनी मर्जी से भी होती हो लेकिन बड़ा मुश्किल है बिलीव करना तो सती प्रथा सेंचुरीज डीप रही है भारत की और विलियम बेंटिंग ने उसको समाप्त किया तो ये तो बहुत महान काम किया बंगाल सती कानून आया 1829 का राधाकांत देव की धर्म सभा ने उसका जबरदस्त विरोध किया महलवाड़ी सिस्टम जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम है सेंट्रल इंडिया पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में विलियम बेंटिंग लेकर आया क्रिश्चियन मिशनरीज को एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए क्रिश्चियनिटी को ब्रिटिश इंडिया में फैलाने के ये इनसे गलती हो गई क्योंकि आने वाले समय में इससे नाराज हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो गए और अठारह में विद्रोह हो गया वो जब हम पढ़ेंगे अगले मॉड्यूल के पहले लेक्चर में आपको मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स दिखाऊंगा इंग्लिश एजुकेशन एक्ट एटीन में आई और कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल शुरू हुआ इससे जुड़ी ये सारी बातें आप याद रखना परीक्षा में पूछते हैं विलियम बेंटिंग अब ये हुआ कि भाई ये पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार को एक रिएक्शनरी गवर्नमेंट बोला जाता था मतलब ये पूरी एक प्रतिक्रियावादी सरकार है इसकी पॉलिसीज जो है वो बदले की भावना से चलने वाली पॉलिसीज है प्रतिक्रियावादी का एक सरल अर्थ यह होता है तो अनेक भारतीयों ने इस बात के प्रयास करना शुरू किए कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की इस गवर्नमेंट को खत्म करवा दो तो इसका मतलब है कि चार्टर्स को खत्म करवा दो तो पार्लियामेंट ब्रिटेन की उसको इस तरह के प्रतिवेदन दिए गए राजा राम मोहन रॉय साहब खुद ब्रिटेन गए और भारत का यह पूरा मामला पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी के सामने प्रस्तुत किया नेचुरली ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भयंकर विरोध किया वहां के जो मिनिस्टर खूब पैसा खाते थे उन्होंने भी राजा राम मोहन रॉय का अच्छा खासा विरोध किया बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने भी पार्लियामेंट को पिटिशन किया फाइनली बाय द एक्ट ऑफ 1853 फिफ्टी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया लेकिन अभी कंपनी को खत्म नहीं किया गया क्योंकि अठारह की क्रांति अभी हुई कहां थी आ गया समझ में अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। याद रखना यह अंतिम चार्टर एक्ट था तो इसके पहले कौन से थे 1793 पहला 1813, 1833 और एटीन 1853 अभी बात समझ में क्लियर है कहीं कोई डाउट तो नहीं और ये वो है लॉर्ड डलहौजी जिसकी वजह से अठारह की क्रांति हुई प्यारे साथियों अब स्ट्रक्चर को बदलते हैं जो डबल स्ट्रक्चर चल रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल लंदन में बैठा हुआ है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी का ये आपस में भिड़े हुए हैं इनमें आपस में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है और इस पर खर्चा भी बहुत हो रहा है अब वो खर्चा कहां से जो भारत के लोगों से टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है उससे ये सारे अमीरों के खर्चे पाले जा रहे हैं जो लंदन में ऑफिस चल रहा है उसका सारा खर्चा भारत से आ रहा है यहां तक कि ब्रिटेन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जितने युद्ध लड़ रही है उसका पैसा भी आपके और हमारे बाप दादाओं ने चुकाया टैक्स भर भर के युद्धों का पैसा जी हां मजाक नहीं कर रहा हूं यही हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी ने डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत पंजाब सिंध और ऐसे बहुत सारे राज्यों पर नियंत्रण कर लिया था जबकि ओरिजिनली पार्लियामेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसा हो आपको याद है ना पहले ऐसा कहा था लेकिन क्या होता है कि कोई इंपीरियल पावर जो होती है उसके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचता है सिवाय लगातार खुद को एक्सपेंड करने के और लॉर्ड डलहौजी जैसा कोई बहुत यंग एम्बिशियस और खुद को साबित करके ही रहूंगा और मैं इस जमाने का अलेक्जेंडर द ग्रेट बनकर दिखाऊंगा सिकंदर महान वो आ जाता है तो फिर उसको तो रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो बहुत सारे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स यानी कि हड़प नीति के तहत नए क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था अब चार्टर एक्ट ने क्या किया सीओडी के डायरेक्टर्स को 24 से घटा के 18 किया खर्चे कम करो 18 में से छे राजा नॉमिनेट करके भेजेगा तो बचे बारह कंपनी को बोला गया कि जो तुम्हारी इंडियन टेरिटरीज है इंट्रस्ट फॉर हर मेजेस्टी हर एयर्स और सक्सेसर के नाम पर ही होंगे मतलब पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ गए क्योंकि वहां का राजा पार्लियामेंट के कंट्रोल में था इस नए अठारह के एक्ट से जो कार्यकारी फंक्शन थे और जो लजिस्लेटिव फंक्शन थे उनके गैप को एक स्टेप आगे ले गए क्योंकि कुछ नए मेंबर काउंसिल में ऐड कर दिए गए कानून बनाने के लिए लॉ मेंबर को फुल टाइम मेंबर बनाया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गवर्नर जनरल की कंसेंट कंपलसरी की गई सभी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स के लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर इस प्रकार से तैयार हुआ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज टू कंसिस्ट ऑफ वन रिप्रेजेंटेटिव इच फ्रॉम द प्रोविंसेस अब पहली बार एक केंद्रीय विधान परिषद अस्तित्व में आई और सभी प्रांतों से एक एक प्रतिनिधि उसमें आना था ट प्रोविंग कहीं ना कहीं रेप्रेजेंटेटिव गवर्मेंट आ रही है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था याद है आपको बनाया था वहां पर इन्होंने वहां का चीफ जस्टिस इस काउंसिल का पदेन सदस्य होगा एक्स ऑफिशियो दो सिविलियंस भी आएंगे उनकी अथॉरिटी मतलब गवर्नर ने कभी भी वैसा अपॉइंट नहीं किया हालांकि प्रोविजन था कुल मिलाकर लजिस्लेटिव काउंसिल में बारह सदस्य होंगे गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ चार मेंबर ऑफ द काउंसिल सिक्स मेंबर। काफी सारी हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स से अलग कर दिया गया भारत के इतिहास में पहली बार अठारह में ईस्ट इंडिया कंपनी के लेजिस्लेटिव फंक्शंस को टोटली सेपरेट प्रोसीजर से चलाया गया आई होप क्लियर ब्रिटेन की संसद की प्रक्रियाओं को काउंसिल में लाया गया क्वेश्चन वर पोर्ट पेपर्स वर डिमांडेड इन्फॉर्मेशन वॉज आज फॉर गवर्नमेंट वॉज क्रिटिसाइज फॉर हिज लैप पहली बार सरकार से सवाल जवाब इस कानून के बाद होना शुरू हुए लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई इंडियन एलिमेंट नहीं होता था धीरे धीरे वो एंग्लो इंडियन हाउस ऑफ कॉमन्स के रूप में विकसित हुआ हमारे संसद की पहली आहट यहां आपको सुनाई देगी सभी बड़ी पोजिशंस पर अब ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू हो गई और आई सी डिड नॉट गेट द राइट टू गवर्न इंडिया फॉर ट्वेंटी 1853 में 20 साल वाला अधिकार इनको नहीं दिया गया और एक्चुअली अब तो क्रांति इतनी जल्दी आने वाली थी कि वैसे दे भी देते तो पांच साल में खत्म ही करना था पूरी तरह से क्लियर हो गया आपको काफी सारी बारीकियां थी लेकिन पढ़ाना जरूरी है इसलिए मैंने अच्छे से पढ़ा दिया तो यह है वो लॉर्ड डलहोजी जिसने काफी सारे आधुनिकीकरण के काम तो किए लेकिन अपनी अल्ट्रा एग्रेसिव पॉलिसीज की वजह से देश को बहुत बड़े संकट में झोंक के भी चला गया इसकी जो हड़प तीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ 1848 में आई शिमला में समर कैपिटल दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध अठारह सो बर्मीज को नीचा दिखाना इसका सारा खर्चा भारतीयों ने उठाया बंबई और ठाणे के बीच अठारह की पहली पैसेंजर ट्रेन चलाना डायमंड हार्बर कलकत्ता तक 1851 में पहली टेलीग्राफ लाइन डालना पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में लाना पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 1854 फिफ्टी पीडब्ल्यूडी दूसरा आंग्ल सिख युद्ध ब्रिटेन ने सिख एम्पायर को फाइनली डिफीट किया संथाल क्रांति 1855 में आई 15,000 हजार संथालों को ब्रिटिश सेना ने बेदर्दी से मार डाला फीमेल इंफेंटिसाइड पे संपूर्ण प्रतिबंध लगाकर ह्यूमन सेक्रीफाइस को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया नरबली बहुत ही कॉमन प्रथा थी देखिए एंशंट और मिडिवल इंडिया एक बहुत अलग जगह थी वहां के कायदे कानून वहां की सामाजिक प्रथा वो हम आगे पढ़ेंगे वो बिल्कुल भिन्न है आज के आधुनिक भारत से उसकी कुछ कुछ छाया कहीं कहीं दिख जाती है लेकिन तब एक बहुत अलग सिस्टम हुआ करता था और उसको आप डायरेक्टली कंपेयर भी नहीं कर सकते हो समय बदल चुका है तो ये डलहौदी से जुड़ी हुई सारी बातें बेटा इनको ध्यान रखिएगा अब इस स्ट्रक्चर को आप थोड़ा ध्यान से देखो तो अभी तक का जो एवोल्यूशन तुम्हें दिख रहा है गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद जब वो कानून बनाने बैठती थी उस वक्त छह नए सदस्य साथ में लेकर बैठती थी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कलकत्ता से आता था सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस कलकत्ता से आता था और चार रिप्रेजेंटेटिव बंबई मद्रास बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के आते थे जब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता था अदरवाइज वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहता था अगला कॉन्सेप्ट बिल्डर आपको दे रहा हूं बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट बिल्डर है अगर आप भारत के संविधान में यकीन करते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी इनमें से कौन सा वो एक अच्छा कारण है जो हमें बताता है कि भारत का संविधान इतना ठोस है नहीं तो अभी तक खत्म हो जाता लेकिन अभी तक खत्म तो हुआ नहीं है इट हैज बीन वेरी इंड्यूरिंग लंबे समय तक चला वन टू थ्री फोर बताइए आपको क्या लगता है क्या उत्तर होना चाहिए कॉमेंट ट्रेड में आप जवाब दे सकते हैं बाद में भी जवाब रिवीजन के समय जो लोग लाइव में नहीं आ पाए किसी कारण से पीटी पोर्टल में रिवीजन के समय जवाब दीजिए तो जब आप इसको प्रॉपरली स्टडी करोगे तो इसका सही उत्तर आपको मिलेगा डी वन टू एंड थ्री फोर इज रॉन्ग बहुत प्यारा सवाल है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ध्यान से रिवाइज करना ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन में करवाऊंगा जो हर चीज आपको एक इंसाइट देके जाएगी फाइनली चार्टर एक्ट ने क्योंकि 20 साल के लिए इनके रूल को रिन्यू नहीं किया तो अब ब्रिटेन की सरकार सीधे सीधे भारत में दखल देने के लिए तैयार थी हालांकि किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि बहुत बड़ी सिपाही विद्रोह की घटना अट्ठारह में होगी जिससे वो रास्ता खुल जाएगा लेकिन वैसा हुआ आपको बात समझ में आ गई उस समय का जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड थॉमस्टन उसने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब हम ब्रिटेन पर ब्रिटिश क्राउन का सीधे कंट्रोल भारत पर लाने वाले उससे जुड़ी कुछ और बातें यहां पर दी हुई है। हैं तो इतना आप याद रखिएगा कि यह 1857 से ट्रिगर हुआ और पूरा का पूरा सत्ता का हस्तांतरण हो गया कंपनी से सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी राजा राजा की तो वहां ताकत थी नहीं पार्लियामेंट ही थी अब आ जाइए 1857 के विद्रोह यानी कि हमारे पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद का पहला बड़ा कानून भारत सरकार अधिनियम अठारह अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको आप फाउंडेशन ऑफ पब्लिक लाइफ इन इंडिया बोल सकते हैं भारत सरकार पूरी तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से खिसककर पार्लियामेंट के हाथों में चली गई बहुत बड़ा ट्रांजिशन आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी को ही लिक्विडेट कर दिया गया और सारी सेना राजा के हाथ में चली गई याद रखिएगा यह जो ब्रिटिश राज की सेनाएं थी 15 अगस्त उन्नीस के बाद रातों रात वो इंडियन आर्मी बन गई प्लीज अंडरस्टैंड दैट द मिलिटरी ऑफ इंडिया आर्मी नेवी एयरफोर्स वो 14 अगस्त तक ब्रिटेन की थी 15 से वो भारत की हो गई ऐसे ओवरनाइट लॉयल्टी शिफ्ट हो गई कोई नई सेनाएं थोड़ी बनी भारत में वही पुरानी सेनाओं को टेक ओवर किया गया जिस तरह पुराने IES और आईपीएस को सरदार पटेल ने नया बना दिया कि भाई आप आईसीएस में हो आप आई बन जाओ देश को चलाओ क्योंकि नए लोग कहां से लाएंगे समय कहां है तो इसको विजनरी कहते हैं ब्रिटिश राज की ऑफिशियल शुरुआत अट्ठारह से होती है जो उन्नीस में ही समाप्त होगी बीओसी खत्म सीओडी खत्म भारत के लिए राज्य सचिव बना दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो लंदन में बैठता था और उसके साथ एक इंडिया काउंसिल बना दी गई भारत परिषद ये राजा के नाम पर रानी के नाम पे राज करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट संसद में बैठेगा उसके पास पंद्रह मेंबर की इंडिया काउंसिल होगी अप्रूवल ऑफ काउंसिल फाइनेंशियल मैटर में कंपलसरी होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंडन में बैठता था और काउंसिल ऑफ इंडिया लंडन कैबिनेट मिनिस्टर माना गया और अल्टीमेट पावर पार्लियामेंट के हाथ में चली गई द क्राउन डायरेक्टली अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल फॉर क्योंकि अब वो कंपनी का गवर्नर नहीं था अब वो राजा का था तो वो राजा का प्रतिनिधि वॉइस रॉय समझ में आ गया तो अब वो वॉइस रॉय था उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी काउंसिल का नाम बदल के हो गया काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पहले गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डायरेक्टली गवर्नर जनरल से संवाद कर सकता था और वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स को रिपोर्ट देता था लजिस्लेशन लैंड रेवेन्यू पब्लिक वर्क रेलवे जॉब नए खर्चे ये सब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करेगा तो अब आप समझ सकते हो लंडन में बैठा आदमी ये सब करेगा तो चीजें बहुत लंगड़ाती हुई चलेंगी धीरे 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 और वही हुआ तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एटीन समझ में आ गया हमने आज की पढ़ाई जहां से शुरू की थी स्पेन और इंग्लैंड के वो आर्माडा की लड़ाई से वहां से पढ़ते 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 हम कहां तक आ गए देख लो एक बार अच्छे से ये कहा आ गए हम यू ही साथ, साथ चलते अब ये चार्ट बहुत अच्छा है एक एक इवेंट आपको एग्जाम में काम आएगा ये भारत के नक्शे जैसे जैसे इनका राज इवॉल्व होता है और पूरे भारत पे ये कब्जा कर लेते हैं और बाकी फिर सब्सिडरी अलायंस और डॉक्टर अक्सर लोग प्रेसिडेंसीज में कंफ्यूज करते हैं आप नहीं करेंगे मद्रास बंबई बंगाल ये प्रेसिडेंसी क्या थी कब स्थापित हुई इनका मैप सब मैंने यहां लगा दिया है इसको अच्छे से पढ़ लेना बेटा आज की शुरुआत हमने यहां से की थी आज हमने ये देख लिया ये देख लिया ये देख लिया ये शुरुआत के इनके जितने भी थे पलाशी के युद्ध पे फर्स्ट लेवल की बात हो गई हालांकि वो तो हम आगे डिटेल में बात करेंगे और हम यहां तक आ गए देखते 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 यहां तक हम आ चुके हैं अब आने वाले लेक्चर में हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे फिलहाल आज का सिलेबस हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया पहला लेक्चर लैंडमार्क्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पार्ट वन पूरा हो चुका है मैं आपको फिर से याद दिला दूं हमारे इस मॉड्यूल में प्यारे साथियों बारह लेक्चर होने वाले हैं <coughs> ये रहे वो बारह लेक्चर्स तो जैसा कि आप देख सकते हैं कल हमारे लेक्चर टू ऑफ 150 में हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर का पार्ट टू और उसके बाद लेक्चर थ्री आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ गया समझ में तो अब हमें बताइए लेक्चर कैसा लगा हमारे सभी पीटी के स्टूडेंट डिस्कस कमेंट में प्रॉपरली लिखें इसी वीडियो के ऊपर ये अब हमारी लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाएगी ऊपर आपको एक टैब में आज का डाउनलोड पीडीएफ मिल जाएगा उसको आप डाउनलोड कर लीजिए परमानेंट रेफरेंस के लिए ये वीडियो आपको आरकाई में लेक्चर वन के नाम से उसी लाइव के बटन के नीचे कल दोपहर बारह बजे मिलेगा ये साइकिल चलती रहेगी डेढ़ सौ बार कोई भी टेक्निकल दिक्कत है टीम से बात करो रिजोल्व कर लो आज से आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है पॉजिटिव रहना क्योंकि करके दिखाएंगे कि स्पिरिट के साथ चलोगे मेरे साथ जुड़े रहोगे ढंग से करोगे ये डेढ़ सौ लेक्चर प्लस पावर ऑफ टेन बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा और बहुत सही होगा पॉजिटिव रहिएगा यूट्यूब पर जितने भी लोगों ने हमें आज देखा आपको बहुत बहुत धन्यवाद इंजॉय करें हमने आपको भी कमेंट कर दिया हम डेढ़ सौ लेक्चर लाएंगे जिनमें से कुछ तो फुल लेक्चर्स होंगे बाकी के हम आपको समरीज देते चलेंगे बहुत यूजफुल समरीज जरूर अटेंड कीजिएगा और तुरंत हमारे कोर्स में एनरोल भी करें आज के लिए इतना ही कल आपसे फिर भेंट करेंगे नमस्कार जय हिंद